हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बेटा लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम्स आई हुई हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और जो आपके नेक्स्ट एग्जाम्स होने वाले हैं वो उसमें आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो हम बात क्या करने जा रहे हैं बेटा, हम बात करने जा रहे हैं लिमिट्स कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे। और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, एक चीज़ ध्यान रखना है आपको कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी हम लोग इसके ऊपर अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो के एंड में अगर आपको ये लगता है कि ये वीडियोज हमारे को हेल्प करेंगे, ठीक है, तो अगर ये हेल्प करते हैं आपको बेटा, तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए बेटा, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। ओके, तो दिस वन द फर्स्ट क्वेश्चन और जो क्वेश्चन दिया गया बेटा उसको समझेंगे। ये हमारा क्या बेटा, दिस वन फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस वन इज एफ सच दैट रियल टू रियल दिया गया बेटा बी अ कंटिन्यूअस ऑड फंक्शन विच वैनिशेज एग्जैक्टली एट वन पॉइंट एंड एफ वन इज इक्वल टू वन बाई टू। सपोज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू माइनस वन टू एक्स दिया गया बेटा, एफ ऑफ टी डी टी दिया गया है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से टू टू दे रखा है। इफ लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एक्स की वैल्यू दे रखी बेटा वन बाई फोर्टीन, देन वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन बाई टू के बारे में बात की गई है। ठीक है ना, ये एक्चुअल में इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है बेटा। किस टाइप की प्रॉब्लम है, इंटीजर टाइप की प्रॉब्लम है, तो आप इसको देख लीजिएगा। अब हमें ये समझना है बेटा कि ये एक्चुअल में ये लिमिट की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम बेटा, ये एक्चुअल में लिमिट की प्रॉब्लम है। तो लिमिट क्या दिया गया बेटा, एक्स टेंस टू वन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स दिया गया है। और लिमिट की अगर प्रॉब्लम है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका फॉर्म जो होगा वो जीरो बाई जीरो होगा और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस होगा। ठीक है ना, अगर ऐसा केस है तो हम इस केस को यूज़ कर सकते हैं बेटा एल हॉस्पिटल रूल। और एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ये हो गया कि आप इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं। मतलब आपने न्यूमरेटर को भी डिफ्रेंशिएट किया है एंड डिनोमिनेटर को भी डिफ्रेंशिएट किया। अब डिफ्रेंशिएट क्यों किया, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बेटा कि आपका जो फंक्शन दिए गए हैं ना वो फंक्शन डेफिनेट इंटीग्रेशन की फॉर्म में दिए गए हैं, जिसमें आपको लिमिट जो है वो एज अ वेरिएबल दी गई है। लिमिट क्या दी गई बेटा, एज अ वेरिएबल दी गई है। और जब भी लिमिट एज अ वेरिएबल होती है तो हमें मोस्टली टाइम आपको क्या करना होता है बेटा, इसे डिफरेंशिएट करना होता है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है माइनस वन टू एक्स दिया गया है एंड एफ ऑफ टी डी टी दे रखा है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करें, एफ डैश ऑफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं एफ डैश ऑफ एक्स, तो अपर लिमिट को आप डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ गया बेटा, वन आ गया, इनटू जो एक्स होता है वो टी की जगह रिप्लेस होता है। और ये बात हम लोगों ने बहुत बार की हुई है इसलिए मुझे लगता है कि अब आपको ये बहुत अच्छे से आता होगा। माइनस लोअर लिमिट को भी डिफरेंशिएट करते तो उसका डिफरेंशिएशन बेटा जीरो आ जाएगा, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही बेटा वो एफ ऑफ एक्स आ जाती है। ओके, ऐसे ही जी ऑफ एक्स आपको दिया गया बेटा और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दी गई है माइनस वन टू एक्स दिया गया है, टी इन मॉड एफ ऑफ टी डी टी है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें
जी डैश ऑफ एक्स कर दें तो हमें डिफरेंशिएशन में क्या बेटा अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन वन आ जाएगा, ठीक है। और एक्स की रिप्लेसमेंट टी की जगह पे आ जाएगी बेटा, तो यहाँ पे आएगा एक्स इन मॉड एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, मॉड कंप्लीट हो गया बेटा, दैट इज अ जी डैश ऑफ एक्स। अब हमें काम जो करना है बेटा वो इस पे काम करना है, इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू वन एफ डैश ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू हो सकता है एफ डैश ऑफ वन डिवाइड बाई जी डैश ऑफ वन, अगर हमने लिमिट को अप्लाई किया तो। एफ डैश ऑफ वन, एफ डैश ऑफ वन का मतलब एफ वन हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक्स की रिप्लेसमेंट वन से हो रही है, डिवाइड बाई एक्स की वैल्यू क्या हो गई वन हो गई, इन टू इन मॉड ऑफ एफ ऑफ वन आ जाएगा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू एक्चुअल में क्या दे रखी बेटा, इसकी वैल्यू दे रखी वन बाई फोर्टीन, वन अपॉन फोर्टीन आ गया। एफ वन की वैल्यू आपको मालूम है, एफ वन दिया गया था बेटा वन बाई टू दिया गया है, तो सिंपल सा हम काम करेंगे दिस वन वन बाई टू डिवाइड बाई इन मैग्नीट्यूड एफ ऑफ वन बाई टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वन बाई फोर्टीन, देयरफोर वी गेट इन मॉड एफ ऑफ वन बाई टू मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू सेवन, सो दिस वन इज आवर आंसर। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि आपको डिफरेंशिएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रेशन ये आपको आना चाहिए, और अगर आप लोगों ने प्रिपरेशन की हुई है अच्छे से तो अब भी सी बात है कि क्वेश्चन को देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आती है कि जब भी लिमिट में वेरिएबल इंक्लूड होता है तो हमेशा हम लोग क्या कर देते हैं बेटा उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन आता है आपको किसी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का तो इस क्वेश्चन को करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। चलिए बेटा हम बात करें अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में हम बात कर रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन दिया गया बेटा उसके बारे में देख लेते हैं। इफ एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, वेयर एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस डबल डिफरेंशिएशन फंक्शन एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन एंड एफ ऑफ फाइव इज इक्वल टू फाइव देन एफ ऑफ टेन इज इक्वल टू के बारे में बात की गई, मतलब आपको इस फंक्शन के ऊपर फोकस करना है, ये जो फंक्शन दिया गया ना इसके ऊपर फोकस करना है। लेकिन फोकस का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो आपको वैल्यू जो दे रखी है बेटा वो आपको डिफरेंशिएशन में दे रखी है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कि जब आपके पास फंक्शन दिया गया बेटा इस फंक्शन को हम लोग नोट कर लेगा कि हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है दैट इज अ इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स बाई टू कंप्लीट का स्क्वायर है प्लस जी ऑफ एक्स बाई टू और कंप्लीट का बेटा स्क्वायर है, ठीक ना। अब हम क्या कर सकते हैं इसको डिफरेंशिएट कर लें बेटा, एक बार अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो समझिएगा क्या आएगा, क्या बेटा टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा, फिर एफ का डिफरेंशिएट बेटा एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा, और एक्स बाई टू का आएगा बेटा वन बाई टू, ठीक है, ये तो आ जाएगा। और प्लस सिमिलरली अगर आप जी ऑफ एक्स बाई टू का करते हैं इसका तो टू टाइम्स आएगा बेटा जी ऑफ एक्स बाई टू आएगा इंटू में जी डैश ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है, और एक्स बाई टू का बेटा वन बाई टू तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना, टू से टू कैंसिल हो जाएंगे। मीन्स हमारे पास जो कंडीशन आ रही बेटा एफ ऑफ एक्स बाई टू आ रही है, ठीक है ना, एफ डैश ऑफ एक्स बाई टू आ रही है, ठीक है, और प्लस का जी ऑफ एक्स बाई टू है इंटू में है बेटा जी डैश ऑफ एक्स बाई टू है। अब चीज़ों को थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश कर लेते बेटा, एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर जी डैश है और जी डैश के फॉर्म में कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा। जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू बेटा वो एफ डैश ऑफ एक्स है, इसका मतलब है कि अगर हम जी डैश ऑफ एक्स कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगी, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मतलब आपको मालूम है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी बेटा माइनस का एफ ऑफ एक्स दे रखी, ठीक है।
जैसे अगर आप ये देखते हैं तो कुछ चीज़ों को रिप्लेस करते हैं बेटा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जी ऑफ एक्स बाई टू आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा एफ ऑफ, यहाँ अगर एक्स बाई टू करेंगे बेटा क्या आएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा, ठीक है, एक्स बाई टू आ गया, ठीक है ना। सेम मैनर अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एफ डेस ऑफ एक्स बाई टू की जगह क्या लिख सकते बेटा, एफ डेस ऑफ एक्स बाई टू की जगह क्या लिख सकते, जी ऑफ एक्स लिख सकते। इसका मतलब है जी डैश ऑफ एक्स बाई टू, सॉरी जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स बाई टू। अगर हम यहाँ देखें तो एफ डेस ऑफ एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो क्या बेटा, जीरो आ रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर एक्स बाई टू कर देना बेटा तो आपको क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट में क्या करना होगा, वन बाई टू भी आएगा, वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी बेटा। यहाँ पे भी वन बाई टू आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी वन बाई टू आएगा, तो वो सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं और एक्चुअल वैल्यू क्या आएगी, जीरो ही आएगी। और जब जीरो आ गई है तो एफ डेस ऑफ एक्स के क्या आएगी बेटा, जीरो आ गई है, तो हम लोग क्या कर लें, अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा, एक कांस्टेंट आ जाएगी, क्योंकि आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। जैसे ही कांस्टेंट आपको मिला तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ फाइव की वैल्यू अगर फाइव है तो कांस्टेंट अगर फंक्शन है तो एफ ऑफ टेन की वैल्यू भी क्या होगी बेटा, अगेन फाइव ही होगी, क्योंकि वैल्यू में कोई असर तो पड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगर आप अच्छे से अरेंज कर सकते हैं इसे तो कहीं कोई समस्या नहीं आती है। और बात आ रही होगी कहते थे हमने क्वेश्चन नंबर थर्ड की, और क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है वो आपको दिया गया है, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स दे रखा है बेटा, ठीक है, और हाँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है बेटा, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एफ एक्स दिया गया है, वेयर एफ एक्स इज अ ट्वाइस डिफरेंशियबल पॉजिटिव फंक्शन ऑन जीरो टू इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दे रखा है एक्स एफ एक्स दे रखा है, देन फॉर एन इज इक्वल टू, और यहाँ नेचुरल नंबर्स के बारे में बात कर रखी है बेटा, और जी डबल डैश ऑफ एन प्लस वन बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू, इसके बारे में बात की गई कि इसका आंसर क्या आएगा। और इस टाइप का जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन जो है अभी आपका मार्क्स के एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो समझते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। पहली बात तो आपको जी डबल डैश ऑफ एक्स के बारे में बात करनी है, तो आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया बेटा वो जी ऑफ एक्स दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है लॉग एफ एक्स दे रखा है, ठीक है, जी ऑफ एक्स के बारे में बात की है। अच्छा, जी ऑफ एक्स के बारे में बात की गई तो हम एक काम कर सकते हैं कि अगर जी ऑफ एक्स प्लस वन कहा जाए तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब हो सकता है लॉग एफ ऑफ एक्स प्लस वन, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बेटा, और इसकी जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, लॉग एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है, और इसको हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं बेटा, लॉग एक्स लिख सकते हैं प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जिसमें ये क्या होगा बेटा, ये अगेन जी ऑफ एक्स हो जाएगा, और जी ऑफ एक्स को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास लॉग एक्स। बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, हम इस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक ना, इस टाइप से। तो एक काम कर सकते हैं, एक्स को चेंज करने जा रहा हूँ बेटा, एक्स माइनस वन बाई टू, फायदा क्या होगा इससे देखिएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस वन की जगह जो है एक्स की जगह एक्स माइनस वन बाई टू पुट किया तो क्या बेटा प्लस वन बाई टू हो जाएगा, ठीक ना, तो एक्स प्लस वन बाई टू हो जाएगा, माइनस जी ऑफ एक्स की जगह हो जाएगा बेटा एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, और लॉग को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ टू एक्स माइनस वन माइनस लॉग टू लिख सकते हैं, यह हो गया किसकी वैल्यू बेटा, जी ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू माइनस जी ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू, ये फॉर्मेट बन जाता है। अब आपको इसे डबल डिफरेंशिएट करना, थोड़ा डिफरेंशिएट कर लेते इसे, जी डैश ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू, और जब आप एक्स प्लस वन बाई टू करेंगे तो क्या आएगा, वन आ जाएगा, माइनस जी डैश ऑफ
एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू आएगा, लॉग का होगा बेटा वन अपॉन टू एक्स माइनस वन, और टू एक्स माइनस वन का बेटा टू आ जाएगा, और माइनस लॉग टू का क्या होगा बेटा जीरो हो जाएगा, मतलब ये कंडीशन आएगी। अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते बेटा हम लोग, जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस वन बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करते बेटा तो वन अपॉन एक्स है, ये वन अपॉन एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स का क्या होगा बेटा टू एक्स का टू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा फोर आ जाएगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा काम है बेटा, अब आपको एक्स की वैल्यूज को रिप्लेस कर लेना है वन टू थ्री इस टाइप से, आप एन तक इसे रिप्लेस कर लीजिए। ठीक है ना, तो देखिएगा क्या मिलेगा मुझे, जैसे आपने एक्स की वैल्यू वन पुट की बेटा, तो जी डबल डैश ऑफ वन पुट किया तो वन प्लस वन बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ वन माइनस वन बाई टू का मतलब बेटा वन बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू आएगा माइनस फोर अपॉन वन पुट करने पर यहाँ पे क्या आएगा बेटा वन आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने क्या किया टू पुट कर लिया, तो जी डबल डैश ऑफ टू प्लस का वन बाई टू हो गया माइनस जी डबल डैश ऑफ टू पुट किया बेटा यहाँ पे, तो टू माइनस का वन बाई टू मतलब थ्री बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन, जब टू पुट किया है तो फोर माइनस वन, फोर माइनस वन थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। ठीक है, अगेन जी डबल डैश ऑफ थ्री प्लस वन बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, अगर आपने थ्री पुट किया थ्री माइनस वन मतलब फाइव बाई टू हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस फोर अपॉन, अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे थ्री पुट किया बेटा थ्री टू जै सिक्स हो गया, सिक्स माइनस वन फाइव, फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। सेम मैनर आप क्या कर रहे हैं, एक चीज़ देख रहे हैं, अगर लास्ट में आपने क्या पुट किया बेटा एन पुट कर दिया, एन प्लस वन बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ एन माइनस वन बाई टू हो गया, और जैसे ही आपने एन पुट किया तो माइनस फोर अपॉन टू एन माइनस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। और एक चीज़ आप देखिएगा, अगर हम इन सभी सिस्टम को अगर हम ऐड कर लें, ऐड करने के बाद एक चीज़ देखिएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल करेगी, ये वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल करेगी, इसी टाइप से ये वैल्यू इस वैल्यू को कैंसिल करेगी, मतलब ये सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी और बच क्या जाएगा बेटा हमारे पास, ये बच जाएगा, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ रही होगी, जी डबल डैश ऑफ एन प्लस वन बाई टू माइनस जी डबल डैश ऑफ वन बाई टू इज इक्वल टू आएगा, ऐड करने पर माइनस फोर कॉमन ले लीजिए, वन प्लस वन अपॉन नाइन प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव प्लस ऐसे ही टू एन माइनस वन के होल स्क्वायर तक आएगा, तो टू एन माइनस वन का होल स्क्वायर सभी प्लस के केस ये है, हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, तो अच्छे से कर लीजिए बेटा इसे, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना, चलिए ओके, तो हमारे पास आ गया है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, और क्वेश्चन नंबर फोर्थ को कैसे टैकल करना है उसे देख लेते हैं। एफ दे रखा है बेटा, रियल टू रियल दे रखा है, बी अ फंक्शन सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन, देन एफ ऑफ टू इज इक्वल टू, एफ टू के बारे में बात करनी है बेटा, तो मतलब इसका है कि आपको फंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब फंक्शन कैसे पता होगा, तो एक काम कर सकते हैं, ये फंक्शन देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा, ये एक्स क्यूब वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया हुआ, एक्स साथ कॉन्स्टेंट है और यहाँ पे भी ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यूज दे रखी हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि हमें इन वैल्यूज को के बारे में पता तो है नहीं, तो हम एक काम करते हैं एफ ऑफ एक्स के बारे में इसको देख लेते हैं, एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है वह है बेटा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर एफ डैश ऑफ वन दिया गया है प्लस एक्स एफ डबल डैश ऑफ टू है प्लस एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स सॉरी थ्री है। ठीक है, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करें, समझिएगा, इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये मिलेगा क्या, थ्री एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस मिलेगा टू एक्स एफ डैश ऑफ वन मिलेगा प्लस यहाँ मिलेगा एफ डबल डैश ऑफ टू मिल जाएगा। ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो मिलेगा सिक्स एक्स प्लस टू एफ डैश ऑफ वन मिलेगा और ये कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कर दिया जाए बेटा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा सिक्स आ जाएगी, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ठीक ना,
अभी देखिए एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स कैसा हो गया बेटा, कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है कि एफ ट्रिपल डैश ऑफ, अगर हम थ्री के बारे में बात करेंगे तो भी क्या आएगा, सिक्स आएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर सिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक ना, बात समझ में आ रही है। इसको क्या कर सकते हैं, सिक्स को रिप्लेस कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझते हैं, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू पता हो गई है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा एक काम कर सकते हैं, एफ डबल डैश ऑफ एक्स यहाँ दिया हुआ है, और इसको अगर हमें मान लीजिए एक्स की वैल्यू को टू पुट कर दिया, समझिएगा एक्स की वैल्यू को अगर हमने टू पुट कर दी, एफ डबल डैश ऑफ टू कर दिया जाए, तो क्या बेटा यहाँ पे आएगा 12 प्लस का 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ 1 आ जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ रही होगी, एफ डबल डैश ऑफ 2 की वैल्यू, ठीक है ना। और एक चीज़ और, यहाँ पर अगर हमने एक्स की वैल्यू को 1 पुट कर दिया, समझिएगा यहाँ पे अगर 1 पुट किया तो एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 3 हो गया प्लस का 2 एफ डैश ऑफ 1 हो गया, ठीक ना, 2 एफ डैश ऑफ 1 हो गया और प्लस का एफ डबल डैश ऑफ 2 हो गया। इसका मतलब है कि हम यहाँ से एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू को एफ डैश ऑफ 2 के फॉर्म में निकाल सकते हैं। मतलब यहाँ से एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू आ रही है दैट इज -3 माइनस एफ डबल डैश ऑफ 2 आ जा रही है। अब इस एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू 2 की वैल्यू है, यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट कर दिया जाए यहाँ पर, तो एफ डबल डैश ऑफ 2 की जो वैल्यू आएगी दैट इज 12 माइनस, यहाँ पे 1 है बेटा इसकी वैल्यू को पुट करना, तो माइनस का ये 6 आएगा और माइनस का 2 टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ 2 आ जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए बेटा तो ये आएगा 3 टाइम्स एफ डबल डैश ऑफ 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 6, मतलब एफ डबल डैश ऑफ 2 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज क्या जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी, ठीक ना। जैसे ही आपके पास ये 2 आ गया तो यहाँ पे अगर आपने पुट कर दिया तो एफ डैश ऑफ 1 की जो वैल्यू आ गई दैट इज -5, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको ये सारी वैल्यूज मिल जाती हैं तो हमें करना क्या, एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना, एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या बेटा, एक्स क्यूब हो गया, और एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या बेटा, -5 है, तो माइनस का 5 एक्स स्क्वायर हो गया। एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 एक्स हो गया, और एफ डैश ऑफ 3 की वैल्यू 6 हो गई। अब सिंपल सा काम है बेटा, आपको एफ टू निकालना है तो एफ टू निकाल लीजिए, एफ टू आ गया 8 -20 +4 और +6, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 10 +8 18 माइनस का 20 मतलब माइनस का 2 आ गया। तो ये एफ डैश ऑफ 2 की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 2 आ जाएगी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ओके बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, समझते रहिए बेटा, ठीक है ना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर बात आती है बेटा क्वेश्चन नंबर 5th की, और ये भी क्वेश्चन मेंस में आया हुआ है आपका, 2019 के मेंस में है। अब ई पावर वाई की वैल्यू दे रखी बेटा, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। अब आपके इसके ऑर्डर पेयर के बारे में बात करनी है, और एक्स की वैल्यू क्या बेटा, 0 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट डिफ्रेंसिएशन है बेटा। यहाँ पे ई पावर वाई प्लस का एक्स वाई इज इक्वल टू दे रखा है ई, अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे ई पावर वाई का ई पावर वाई, वाई का बेटा डी वाई बाई डी एक्स, प्लस एक्स कॉन्स्टेंट वाई का डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और प्लस वाई कॉन्स्टेंट एक्स का 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 0। यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से, माइनस का वाई आएगा डिवाइड बाई, यहाँ से कॉमन क्या है बेटा, यहाँ से ई पावर वाई प्लस का एक्स आ गया, ठीक है ना। एट एक्स इज इक्वल टू 0 कहा गया बेटा, एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर अगर देखा जाए तो यहाँ से वाई की वैल्यू क्या आएगी, ये 0 हो गया बेटा, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये 0 हो गया तो e पावर वाई इक्वल टू ई हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या बेटा, 1 आ गई, मतलब एट x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू क्या बेटा, 1 है। पुट कर लीजिए बेटा यहाँ पे, माइनस का 1 हो गया, अपॉन में अगर x 0 है y की वैल्यू 1 है तो e आ जाएगा, तो -1 अपॉन ई, तो मतलब ये ऑप्शन हो सकता है आपका, या तो ये हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करनी है डबल डिफ्रेंशिएशन की, तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू कर दिया जाए, माइनस बाहर रखा जाए, और डिनोमिनेटर को अगर हम लिखें ई पावर वाई प्लस का एक्स होल स्क्वायर, ठीक है ना, और ये हो गया ई पावर वाई प्लस एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, और वाई का डिफ्रेंशिएशन बेटा डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस वाई कॉन्स्टेंट ई पावर वाई का ई पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया, ठीक है ना, और प्लस का एक्स बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी, डिफ्रेंशिएट किया, सिंपल डिफ्रेंशिएशन।
अब बात करते हैं कि dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू वन। तो सिंपल सा है केस माइनस का, इसकी वैल्यू क्या होगी ना, जीरो, ये वैल्यू क्या होगी, वन हो जाएगी। अगर ये वन e हो जाएगी, e हो गया, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गई माइनस का वन अपानी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। माइनस y की वैल्यू होगी वन इन ब्रैकेट e पावर y की वैल्यू बेटा e हो गया, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस वन अपानी प्लस वन हो गया, ठीक है। और डिवाइड बाय अगर देखिए तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हो जाएगी बेटा e पावर जीरो वन हो जाएगी, ठीक ना, e पावर जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, वन हो जाएगी, तो e हो जाएगा और e का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब ये देखिए e और e कैंसिल आउट हो गया, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये e और ये e कैंसिल हो गया तो माइनस वन आ गया, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन ई स्क्वायर, सिंपल। तो डबल डिफरेंशिएशन वैल्यू क्या बेटा, वन अपॉन ई स्क्वायर, तो मतलब इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए बेटा, बी ऑप्शन हो जाना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ रहे होंगे, जस्ट ये प्योर डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक चीज तो समझ में आ जाती है कि बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बाइनोमियल का क्वेश्चन है, और बाइनोमियल के क्वेश्चन में आपके पास जो सिस्टम दिया गया बेटा, यहाँ पे देखो ध्यान से देखेंगे तो, अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये वन का स्क्वायर है, टू के साथ टू का स्क्वायर है, थ्री के साथ थ्री का स्क्वायर है, एन के साथ एन का स्क्वायर है। तो इस फॉर्मेट में सिस्टम को लाने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि फॉर्मेट आती कैसे है। तो समझिएगा ध्यान से, वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एन का अगर आपको एक्सपेंशन याद हो तो एन वैल्यू क्या थी बेटा, एन सी जीरो प्लस होता था एन सी वन एक्स होगा प्लस का एन सी टू एक्स स्क्वायर एन सी थ्री एक्स क्यूब और प्लस ऐसे ही आपके पास आता था एन सी एन एक्स पावर एन आता है, ठीक है। ये एक्सपेंशन अगर आपको मालूम है तो आप बिल्कुल सिंपल सा काम करना होता है बेटा, देखिएगा जब भी यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे मतलब ये कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसका मतलब है कि आपने इसे डिफरेंशिएट किया है। क्या किया बेटा, इसे डिफरेंशिएट किया है, डिफरेंशिएट करने पे कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाता है, तो हमने इसे क्या किया बेटा, डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आ गया मतलब, एन आ गया वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एन माइनस का वन आ जाएगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट की वैल्यू जीरो हो गई, तो वैल्यू क्या आ गया बेटा, एन सी वन आ गया, एक्स की वैल्यू वन होगी बेटा, ध्यान से देखिएगा, टू टाइम्स एन सी टू एक्स आ जाएगा प्लस एन सी थ्री और ये थ्री टाइम्स होगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ऐसे ही आएगा एन एन सी एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस का वन हो जाएगा। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब अगर यहाँ पे टू का स्क्वायर चाहिए तो बेटा यहाँ पे एक्स का स्क्वायर चाहिए, क्योंकि हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो फिर से यहाँ पे टू आना चाहिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि एन सी वन यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे अगर अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो गया ना, जीरो हो जाएगी, तो इसे रखना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान से देखिए, एन इंटू एक्स वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या आएगा, एन सी वन एक्स आ गया प्लस का टू टाइम्स एन सी टू एक्स का स्क्वायर हो गया, थ्री टाइम्स एन सी थ्री एक्स क्यूब हो गया, ऐसे ही लास्ट में क्या होगा बेटा, एन इंटू एन सी एन एक्स रेस्ट पावर एन माइनस मन की जगह एन हो जाएगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएट फिर से कर लीजिए, तो इसे बाई पार्ट्स कर देते हैं, ठीक ना, मतलब एन हो गया प्रोडक्ट तो लगा देते, एक्स कांस्टेंट कर लिया, इसका करेंगे बेटा तो क्या आएगा, एन माइनस वन आएगा और आएगा वन प्लस एक्स की पावर एन माइनस टू आ जाएगा, ठीक ना, प्लस आएगा वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन आएगा, क्योंकि एक्स का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ आ गया एन सी वन आ गया प्लस का, यहाँ देखिए इसे डिफ्रेंशिएट किया, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन आपको क्या दिख रहा है बेटा, टू आ जाएगा ना, टू एक्स होगा तो टू का स्क्वायर हो गया और एन सी टू एक्स आ जाएगा प्लस का क्या जाना चाहिए बेटा, एन सी थ्री के स्क्वायर सॉरी थ्री का क्यूब और एन सी थ्री एक्स स्क्वायर हो गया, ऐसे ही एन रेस्ट पावर एन आ गया सॉरी एन आएगा तो एन स्क्वायर होगा, सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है, थ्री स्क्वायर होगा यहाँ पे स्क्वायर बेटा यहाँ पे और यहाँ पे एन का स्क्वायर है और क्या आएगा एन सी एन आएगा और एक्स रेस्ट पावर एन माइनस वन हो जाएगा। अब सिंपल सा है कि इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर से
अब करना क्या बेटा, एक्स की वैल्यू को एक्स इज इक्वल टू आपको क्या करना है बेटा, 1 पुट कर देना है और एन की वैल्यू को आपको पुट करना है 20। जैसे ही आपने ये किया तो ये वैल्यू क्या आ गई देखिएगा, 20C1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 20C2 आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर इंटू 20C3 आ जाएगा। ऐसे ही 20 स्क्वायर और आएगा क्या बेटा, 20C20 इज इक्वल। अब बात करते हैं एक्स की वैल्यू को 1 पुट करने पर और एन की वैल्यू को 20 पुट करने पर। एन हो गया बेटा 20 इन ब्रैकेट, एक्स की वैल्यू 1 है तो ये हो गया 2 2 पावर 18। ध्यान से देखिएगा, एक्स की वैल्यू 2 पावर 18, यहाँ पर 2 पावर 18 इंटू आ गया एन की जगह 20 तो मतलब 19, प्लस यहाँ पे आ गया 2 पावर 19, 2 पावर 19 आ गया, ठीक है ना। 2 पावर 18 को आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। 2 पावर 18 कॉमन हो गया, इंटू में क्या हो गया बेटा 20 हो गया, इंटू में क्या आ गया 19, और प्लस यहाँ पे 2 पावर 18 तो कॉमन हो गया तो 21 हो गया। इसका मतलब हो गया, इसे अगर चाहें तो हम क्या लिख सकते बेटा, 40 इंटू 2 पावर, एक मिनट, 19 हो गया था बेटा 19 और ये हो गया प्लस का 221 है बेटा 21, तो ये हो गया 420, सॉरी ये क्या हो जाएगा 420 इंटू 2 पावर 18। अब आप चेक कर लीजिए इस टाइप का आंसर है क्या कहीं, 420 और 2 पावर 18, मतलब हमारे पास आंसर जो था ए इंटू 2 पावर बीटा के फॉर्म में था, ए और 2 की पावर में, तो ए क्या हो गया 420 और 2 की पावर 18 हो गया। तो 420 और 2 की पावर 18 मतलब ये ऑप्शन हमारा मैच कर सकता है, तो 420 के साथ मैच करने वाला 18 ही है। अगर हम यहाँ से 2 को कॉमन निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 420 नहीं बचेगा और 2 की पावर चेंज हो जाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप मैच कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या हो सकते हैं चेंज भी हो सकते हैं इस टाइप से। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, आप लास्ट में जाकर के ऑप्शन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं तो अच्छे से समझ में आता है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बाइनोमियल पे डिपेंड कर गया जिसमें डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टी आपने लगा दी, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे हम लोग बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कंप्लीट करते बेटा इसे, ठीक है ना। चलिए बेटा बात करते हैं हम क्वेश्चन बस 7th की, और देखते हैं इसको कैसे करना है। बेटा पी ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 दे रखा है, हैविंग एक्सट्रीमम एट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 दे रखा है, और लिमिट की वैल्यू दे रखी है 2। देन द वैल्यू ऑफ पी ऑफ 2 दे रखा है, तो पी ऑफ 2 के बारे में बात करनी है, मतलब आपको पी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सा काम है, देखते हैं पी ऑफ एक्स को कैसे निकालना है, ठीक है ना। अब देखिएगा सीधी सी बात ये है बेटा कि आपके पास अगर मान लीजिए पी ऑफ एक्स है, समझिएगा एक बहुत सिंपल सा केस कि पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है बेटा 4 है, ठीक है ना। अगर डिग्री 4 है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमने क्या लिख लिया बेटा, ए एक्स पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ओके। अब इस चीज़ को समझते देखते ही आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भाई डिवाइड में तो एक्स स्क्वायर है, समझिएगा बेटा डिवाइड में क्या दिया है एक्स स्क्वायर, तो डिवाइड में आप कहाँ आ गए एक्स स्क्वायर में आ गए। तो अगर डिवाइड में आप अगर एक्स स्क्वायर में आ गए, ध्यान से समझिएगा एक्स स्क्वायर में आ गए, ठीक है ना। और लिमिट जो दे रखी, ध्यान से देखिएगा, अगर लिमिट दे रखी जो, उस लिमिट को थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू 0 है, 1 है तो 1 को तो अलग ही कर लेंगे आप, 1 प्लस लिमिट पी ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है इज इक्वल टू 2 है, मतलब इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या बेटा 1 है। मतलब अगर आप यहाँ पर अगर लिमिट अप्लाई करना चाहते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसकी जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या बेटा 1 है। अच्छा मतलब एक फाइनाइट वैल्यू है, फाइनाइट वैल्यू कब आएगी, अब एक चीज़ समझिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से करते हैं, इस चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर डी एक्स प्लस ई जो है, इसमें जो एक्स की जो पावर है, एक्स जो है इसके साथ उसकी पावर जो है इससे लेस है, मतलब अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में एक्स बच जाएगा, और डिनोमिनेटर में अगर एक्स बचेगा तो एक्स टेंस टू क्या बेटा 0 है। तो यहाँ पे अगर सोचिए कि डी एक्स प्लस का ई अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा है,
कि आपके पास जो फाइनाइट वैल्यू के लिए डी ई की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये। अगर ये नहीं होगा तो इसका मतलब है बचा क्या बेटा, एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ध्यान से देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कॉमन एक कैंसिल आउट कर चुके हैं और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है और इसके तो क्या है बेटा वन है, इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई बेटा वन, सी की वैल्यू क्या आ गई वन आ गई। तो बहुत सिंपल सा काम हो गया कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल था बेटा पी ऑफ एक्स जो था वो एक्चुअल में है क्या, वह एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर, मतलब वन एक्स स्क्वायर, क्योंकि डी और एक्स सी की वैल्यू क्या है बेटा जीरो है। अब इसने कहा है, अब देखिएगा इस इक्वेशन में दो अननोन रह गए हैं ए और बी, और इस दो अननोन को निकालने के लिए आपके पास ये कंडीशन दे रखी है, वन और टू के कंडीशन दे रखी है, ठीक है। अब कहना क्या है, अब एक्सट्रीमम के बारे में बात करिए बेटा, एक्सट्रीमम का मतलब होता है आप क्या करते हैं मैक्सिमम और मिनिमा के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं मैक्सिमम मिनिमा, मतलब डिफरेंशिएट करेंगे उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो के इक्वल होनी चाहिए, वहाँ पे आपको क्या मिल जाती है एक्सट्रीमम मिल जाती है। तो डिफरेंशिएट करते बेटा इसे, पी डैस ऑफ एक्स कर लिया, पी डैस ऑफ एक्स करते ही आपको मिला फोर ए एक्स क्यूब मिल गया प्लस का थ्री बी एक्स स्क्वायर मिलेगा प्लस का टू एक्स मिल जाएगा, और एट एक्स इज इक्वल टू वन इसकी वैल्यू क्या बेटा जीरो है, एक्स इज इक्वल टू वन, तो यहाँ से अगर एक्स को कॉमन निकाल दिया जाए तो अगर फोर ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री बी एक्स हो जाएगा और प्लस का टू आएगा, सॉरी प्लस टू आ जाएगा, ठीक ना। और हमें करना क्या बेटा, एक्स के वैल्यू को वन पुट कर लेना है और इसके वैल्यू को जीरो कर देना, तो यहाँ पे आ गया बेटा फोर ए प्लस थ्री बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ गया, दिस वन फर्स्ट इक्वेशन। एंड अब वेन टू इज इक्वल टू पुट करना है तो भी जीरो आ रहा है, तो यहाँ टू का करेंगे तो जीरो हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा सिक्सटीन ए, ध्यान से देखिएगा सिक्सटीन ए प्लस सिक्स बी प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक ना। हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को टू पुट कर लिया है और एक्स की वैल्यू को वन पुट किया और इसकी वैल्यू जीरो आ गई, मतलब ये सेकेंड इक्वेशन। अब सिंपल सा काम बेटा, इसमें टू मल्टीप्लाई कर दिया जाए, टू मल्टीप्लाई करते क्या आएगा एट ए आएगा प्लस सिक्स बी आएगा और प्लस फोर इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए मीन्स आएगा आपके पास एट ए माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, सो वी गेट ए इज इक्वल टू वन बाई फोर, ए की वैल्यू क्या बेटा वन बाई फोर आ जाएगी। ए की वैल्यू आते ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ये जगह बेटा वन आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, ये पूरा सिस्टम वन, वन प्लस टू थ्री हो गया, ट्रांसफर कर दीजिए तो बी की वैल्यू क्या दिख रही है बेटा आपको, बी की वैल्यू आपको दिख रही है माइनस का वन, ए बी की वैल्यू आ गई। इसका मतलब है कि पी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन बाई फोर एक्स रेज टू पावर फोर माइनस बी की जगह माइनस वन हो गया, एक्स क्यूब हो गया बेटा, ठीक है, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या था बेटा आपके पास पॉलिनोमियल ये है और एक्स स्क्वायर प्लस का क्या है बेटा एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आपको निकालना क्या, पी ऑफ टू की वैल्यू निकालनी थी, पी ऑफ टू निकाल दीजिए, टू निकाला तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा सिक्सटीन डिवाइड बाई फोर माइनस एट और प्लस फोर, तो वैल्यू आ जानी चाहिए फोर एट जीरो, मतलब पी ऑफ टू की जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या जाएगी बेटा जीरो आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या जाना चाहिए, इसका आंसर आ जाना चाहिए जीरो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिनिमम में भी मिल सकते हैं, ठीक ना, क्योंकि टॉपिक चेंज होगा, मतलब हेडिंग चेंज होगी लेकिन प्रोसीजर सब जगह आपको यही मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि कई बार पूछे गए हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है इस टाइप का, ठीक है ना। तो चलिए बात करें बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर एट की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट, अब देखते हैं इसको कैसे टैकल करना है। फंक्शन दे रखा है बेटा रियल टू रियल दे रखा है, बी ए डिफरेंसिबल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ पाई बाई टू इज इक्वल टू थ्री और एफ डेस ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन दे रखा है, एंड अ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वन और लिमिट एक्स टेस्ट टू जी ऑफ एक्स के बारे में बात की गई है। देखते बेटा जी ऑफ एक्स आपको क्या दिया गया, क्योंकि आपकी सारी बातें जो हैं वो जी ऑफ एक्स के बारे में करनी है, तो एक्स दे रखा है पाई बाई टू दे रखा है, एफ डेस ऑफ टी कॉसेक टी माइनस एफ ऑफ टी कॉसेक टी इंटू कॉट टी दिया गया है और डी टी दिया गया है, ठीक ना।
जनरली क्या होता है कि जब भी क्वेश्चंस में वेरिएबल इंक्लूड होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत अच्छी है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ दे रखी है कि अगर आप इस क्वेश्चन में इस फंक्शन को अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर इस फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करें बाय पार्ट्स से, मान लीजिए ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये हो गया आपका सेकंड फंक्शन, तो आपका काम बन जाएगा। इस चीज़ को समझिएगा कैसे बन जाएगा। देखिएगा कि आपके पास जो वैल्यू है बेटा वो है क्या, एक्स पाई बाय टू है और एफ डैश ऑफ टी है और कॉसेक टी है, ठीक ना, डी टी हो गया माइनस, अगर हमने इसे बाय पार्ट्स किया तो समझिएगा एफ ऑफ टी कॉन्स्टेंट हो गया बेटा एंड कॉसेक टी हो गया, कॉसेक टी का सॉरी इसका इंटीग्रेशन बेटा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसेक और कॉट का माइनस का कॉसेक टी, कॉट टी हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं और इसका हम लगा देते हैं लिमिट एक्स है और पाई बाय टू है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स लिखा पाई बाय टू लिखा, ठीक है ना, और फिर से वही एफ का डिफरेंशिएशन बेटा एफ डैश ऑफ टी आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉसेक टी डी टी हो जाएगा। और आपको ये पता है कि यहाँ पे कॉसेक की जगह पे आ जाएगा माइनस का, इसलिए हम प्लस कर देते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये जो इंटीग्रेशन है और ये जो इंटीग्रेशन है ये वैल्यू बेटा सेम है और यहाँ पे प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, तो ये वैल्यू कंप्लीटली कैंसिल्ड हो जाएंगी और हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एफ ऑफ टी, पॉजिटिव आएगी बेटा एफ ऑफ टी, मतलब पाई बाय टू पुट किया तो एफ ऑफ पाई बाय टू आ जाएगा और अगर कॉसेक पाई बाय टू आ गया माइनस ऑफ एक्स पुट किया एफ ऑफ एक्स इंटू क्या गया कॉसिक एक्स आ गया और ये बेटे बेटा जी ऑफ एक्स की है, ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ पाई बाय टू, एफ ऑफ पाई बाय टू की वैल्यू क्या बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पे दिया हुआ है थ्री दे रखा है, हमने यहाँ पे थ्री पुट किया माइनस ये हो गया एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई कॉसिक का मतलब हो गया बेटा साइन एक्स हो गया और ये हो गया जी ऑफ एक्स। अब सिंपल सा काम ये करना है आपको, लिमिट के बारे में बात करते हैं बेटा, लिमिट लिमिट देखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया गया है और जी ऑफ एक्स के बारे में बात की गई बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा कि यहाँ पे थ्री पे लिमिट तो लगाएंगे नहीं आप, थ्री माइनस का लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है, ये हो गया एफ ऑफ एक्स अपॉन में साइन एक्स हो गया। अब जैसे ही आपको ये फॉर्मेट मिलता है या तो जीरो बाई जीरो होगा या तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का केस रहा होगा, ठीक है ना, इसका मतलब है कि हम इसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल लगा करके, तो थ्री माइनस अगर हमने बात की लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ डेस ऑफ एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स का क्या हो जाएगा बेटा कॉज एक्स हो जाएगा और जैसे ही आपने जीरो पुट किया तो थ्री माइनस का एफ डेस ऑफ जीरो हो गया और थ्री माइनस एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा वन दे रखी है, तो इसका आंसर टू मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली क्या करते हैं हम लोग कि जब भी वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन में तो हम इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में क्वेश्चन का बाई पार्ट्स लगा करके हम लोगों ने क्या किया है, इसे इंटीग्रेट करके वैल्यू को इजी कर लिया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर एट हो गया बेटा हम लोग का कंप्लीट। अब बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की और इसका आंसर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का आंसर क्या गया बेटा टू आ गया है, ठीक है ना। और वीडियो में बेटा बने रहिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग इसके लिए, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ के बारे में बात करते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन्थ हो जाएगा ये, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा नाइन्थ हो जाएगा ये। चलिए बेटा समझते हैं इसे कि क्वेश्चन नंबर नाइन्थ को कैसे करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चंस तो आप लोग बोर्ड में भी देखते हो, ठीक है ना। अब करना क्या बेटा कि यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी, देखिए अब ऐसे ऑप्शंस के हिसाब से ही काम करना होता है, कंटिन्यूटी चेक करनी है, डिस्पेंसिबिलिटी चेक करनी है, ठीक ना। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपके पास पॉइंट्स क्या है बेटा, माइनस पाई बाय टू है, जीरो है और वन है, माइनस पाई बाय टू जीरो और वन है, ठीक है ना। तो आप एक काम करते हैं, बहुत सिंपल सा काम करेंगे बेटा, हम लोग डायरेक्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, ध्यान से देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे। अगर एक्स से लेस है माइनस का पाई बाय टू, तो यहाँ पे मतलब अगर हम पाई बाय टू पे चेक करें, एट पाई बाय टू, समझिएगा बहुत ध्यान से,
एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करते हैं तो लेफ्ट के बारे में जो बात हो रही है और राइट के बारे में जो बात हो रही है वो क्या हो रही है। लेफ्ट ये है आपका पाई बाई टू का लेफ्ट, ये है पाई बाई टू का, तो आपने पुट किया सॉरी माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू बेटा, यहाँ पे माइनस पाई बाई टू लिख लें, माइनस पाई बाई टू पुट किया तो माइनस से प्लस पाई बाई टू हो जाएगा और ये जीरो हो जाएगा बेटा। लेफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। राइट में अगर हमने पाई बाई टू पुट किया तो पाई बाई टू पे क्या होता है बेटा, माइनस पाई बाई टू या प्लस पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होगी, इसकी जीरो होगी। मतलब माइनस पाई बाई टू पे तो ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो है ठीक है ना, तो ये काम तो अपना बन जाता है, माइनस पाई बाई टू पे कंटिन्यूअस हो जाता है। अब बात आती है कि भाई जीरो पे क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो देख लेते हैं इसे भी। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो लेफ्ट हैंड के बारे में बात करते हैं और राइट हैंड के बारे में बात करते हैं। ठीक ना, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बात करते हैं। जीरो का लेफ्ट ये है तो कॉस जीरो की बेटा वन होती है, तो मतलब इसका माइनस वन हो गया। यहां पे अगर हमने जीरो पुट किया तो अगेन क्या हो गया बेटा, माइनस वन हो गया। ऑब्वियस सी बात है माइनस वन हो गया, मतलब यहां पर भी काम चल जाएगा, मतलब जीरो पे क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया ठीक है ना। लेकिन कंटिन्यूटी केवल आपको माइनस पाई बाई टू पे पूछी गई थी, बाकी किस पे पूछा गया बेटा, डिफरेंसिबिलिटी पूछी गई है। तो अब एक काम करते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं ठीक है ना, कंटिन्यूटी तो चेक कर लिया, डिफरेंशिएट कर देते एफ डेस ऑफ एक्स कर दीजिए बेटा। जैसे ही आपने डिफरेंशिएट किया वैल्यू क्या आ गया बेटा, माइनस वन आ गई, माइनस कॉज एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, साइन एक्स हो जाएगा ठीक है ना। एक्स माइनस वन का क्या होगा बेटा, वन हो जाएगा और लॉग एक्स का वन अपॉन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो से लेकर के वन के बीच में है, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या बेटा माइनस पाई बाई टू से लेकर के जीरो के बीच में है, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू लेस इक्वल टू माइनस पाई बाई टू ठीक है ना। एफ डेस ऑफ एक्स माइनस पाई बाई टू पे चेक कर देते हैं बेटा, माइनस पाई बाई टू पे चेक किया तो माइनस पाई बाई टू पे यहाँ पे चेक करने को नहीं कहा गया बेटा, तो हम लोग माइनस पाई बाई टू के बारे में बात करेंगे नहीं, सीधे जीरो पे बात कर लेते हैं। जीरो पे तो जीरो का लेफ्ट ये है बेटा और जीरो का राइट ये है, तो एफ डेस ऑफ एक्स ध्यान से देखिएगा, जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो के बारे में बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों के बारे में बात करते हैं। तो जीरो के बारे में बात करें तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे हो गया बेटा, जैसे जीरो आपने पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया, और राइट हैंड पे जीरो पुट किया तो क्या आ गया बेटा, वन आ जाएगा। मतलब यहाँ पर डिफरेंसिबल नहीं है, मतलब ये भी करेक्ट है आपका, डिफरेंसिबल नहीं है। डिफरेंसिबल एट एक्स इज इक्वल टू वन, वन पे भी चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू वन ठीक है ना, लेफ्ट हैंड डिफरेंसिबिलिटी एंड राइट हैंड डिफरेंसिबिलिटी ठीक है ना। वन पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, वन का लेफ्ट वन हो गया और वन का राइट क्या हो गया बेटा, वन हो गया। मतलब ये जो है डिफरेंसिबल है। एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री बाई टू कहा गया, माइनस थ्री बाई टू होगा कितना बेटा, अभी माइनस पाई बाई टू कहा गया था, ध्यान से देखिएगा माइनस पाई बाई टू कहा गया था, तो माइनस पाई बाई टू की जो वैल्यू होगी, माइनस पाई बाई टू का मतलब हो गया माइनस का 1.57 ठीक है ना। अब इसने माइनस थ्री बाई टू कहा है, इसका मतलब है कि आप यहाँ पे बात कर रहे हैं माइनस 1.5 के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है, माइनस 1.5 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू एक्चुअल में जीरो के यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है माइनस थ्री बाई टू, और उस केस के बारे में अगर बात करें तो जीरो से माइनस पाई बाई टू के बीच की बात हो रही है, उसके लिए सिंगल फंक्शन है बेटा, उसके लिए क्या है सिंगल फंक्शन है, तो अब इसी बात ये भी डिफरेंसिबल होगा ठीक है ना, क्योंकि साइन एक्स कैसा होता है बेटा, डिफरेंसिबल फंक्शन होता है, क्योंकि इसका लेफ्ट और राइट मतलब सेम वेरिएबल है, सेम फंक्शन है, इसलिए क्या होगा ये भी डिफरेंसिबल होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए थोड़ा सा आपको चेक करने का तरीका आपको अप्लाई करना होता है ठीक है। ये बहुत सिंपल मेथड है जो कि आप डायरेक्ट चेक करते हैं, हमने यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह यूज़ करके काम नहीं किया है, डायरेक्ट बताया है आपको, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे ठीक है। और यही स्ट्रेटजी मेंस वगैरह में आपको अप्लाई करनी पड़ती है ठीक है। चलिए बेटा बात करें हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो बात करते हैं आप क्वेश्चन नंबर टेंथ की, और क्वेश्चन नंबर टेंथ जो है वो कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है और फंक्शन डिफाइंड करा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दे रखा है, एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू है मॉड ऑफ एक्स और एफ एक्स प्लस का इन मॉड फोर एक्स माइनस सेवन एफ एक्स दे रखा है, वेयर ब्रैकेट क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। चेक करना बेटा आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी ठीक है ना, तो डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है,
डिफेंसिबिलिटी भी चेक करनी है और डिफेंसिबिलिटी भी चेक करनी है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कि किस किस पॉइंट पे डिफेंसिबल हो सकता है और किस पॉइंट पे डिफेंसिबल नहीं होगा, और कंटिन्यूटी भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहला काम तो यह है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया गया बेटा एफ एक्स जो दिया गया दैट इज इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस थ्री दे रखा है, और ब्रैकेट को देखते ही आपको एक चीज़ तो समझ में आती है कि ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो मतलब ये जो होगा वो इंटीजर्स पे, इंटीजर्स पर क्या होगा एफ एक्स क्या होगा इंटीजर्स पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस एट क्या होगा बेटा, डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स एफ एक्स क्या होगा डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर होगा, इसे हटा देते हैं। अब इंटीजर कब आएगा इस चीज़ को भी समझना है हमें, तो यहाँ पे हमें बहुत सिंपल चीज़ है बेटा, ये चीज़ बहुत आसानी से समझ में आती है कि अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हमें सारी रूट की वैल्यू देखनी होती है, क्योंकि अगर हम रूट के बारे में बात करेंगे तो अगर कोई नई नंबर है नंबर का रूट चेक करना होता है और रूट का स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा वो इंटीजर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो लिमिट दी हुई है, लिमिट दी गई माइनस वन बाई टू से लेकर टू तक की बात की गई है, तो इसके बीच में हमें रूट्स को आइडेंटिफाई करना है जिससे हमें ये वैल्यू जो है इंटीजर मिल जाए। तो देखते हैं माइनस वन बाई टू अगर हम जीरो पुट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्या मिलेगा बेटा वन मिल जाएगा, क्योंकि वन का स्क्वायर भी वन ही होगा। फिर मिलेगा मुझे रूट टू, रूट टू का स्क्वायर क्या होगा बेटा टू हो जाएगा एंड रूट थ्री, और देन क्या मिल जाएगा बेटा रूट फोर, रूट फोर का मतलब क्या होगा बेटा टू हो गया। तो ये सारी वैल्यू जो होंगी इसके बीच में यहाँ पर ये क्या होगा ये एज अ इंटीजर काम करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम एफ एक्स के बारे वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं बेटा, फाइंड आउट कर लेते हैं एफ एक्स एक्चुअल में क्या होगा, ठीक है ना, इन सभी लिमिट्स के बियॉन्ड। तो एक्स की जो वैल्यू बेटा वो माइनस वन बाई टू से लेकर के जीरो के बीच में देखते हैं, तो माइनस वन बाई टू से लेकर जीरो के बीच में देखा जाए फिर एक्स की तो क्या बेटा जीरो से वन, फिर एक्स है वन से रूट टू, फिर एक्स जो होगा वो रूट टू से रूट थ्री के बीच में होगा बेटा एंड एक्स जो होगा अगेन रूट थ्री से लेकर के किसके बीच की बात की गई बेटा टू के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। और एट एक्स इज इक्वल टू टू को भी कंसिडर कर लेते हैं क्योंकि हमें टू को भी इंक्लूड करना है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। ये हमारी वैल्यूज हैं, अब हम सभी वैल्यूज को चेक करेंगे कि हमें वैल्यूज क्या मिल रही है, ठीक है। तो सिंपल सा है, माइनस वन बाई टू से लेकर जीरो के बीच की बात की जाए तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव फ्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू जो भी आएगी वो वैल्यू हमेशा कैसे आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, यहाँ पर वैल्यू जो भी आएगी वो स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी बेटा पॉजिटिव आएगी, मतलब फ्रैक्शन है। देखिए ध्यान से, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये भी फ्रैक्शन है, और इसके बारे में बात करें तो भी फ्रैक्शन है। अब फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू होगी क्या, जैसे कोई भी वैल्यू जो होगी वो हमेशा वन से तो लेस होगी, क्योंकि फ्रैक्शन का स्क्वायर हमेशा कैसा होता है बेटा वन से लेस होता है और पॉजिटिव होता है। तो अगर मान लीजिए ये 0.99 हो जाता है, मान लेते हैं 0.99 अगर हो गया तो 0.99 माइनस 3 करेंगे तो वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस का 2.1 होनी चाहिए, 0.1 होगी, और इसका अगर ब्रैकेट करेंगे तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या आएगी बेटा माइनस का 3 आएगी। तो जैसे यहाँ पे माइनस 3 आएगी वैसे ही यहाँ पे भी माइनस 3 ही आएगी, क्योंकि अगर 0.99 किसी का भी स्क्वायर होगा, मैक्सिमम के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो बेटा मैक्सिमम क्या आएगा 0.99 आएगा, क्योंकि 1 से अधिक तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। अब 1 और रूट 2 के बीच की बात कर लेते हैं, रूट 2 का स्क्वायर जो होगा बेटा 2 होगा, 2 का मतलब क्या हो गया बेटा 2 से थोड़ा सा कम मान लेते हैं, 2 से थोड़ा सा कम मान लेते हैं क्योंकि 2 तो है नहीं, 2 से अगर थोड़ा सा कम मानेंगे तो मतलब इसका मतलब हो गया 1.9 मान लेते हैं, 1.9 माइनस का 3 देख लेते हैं, ठीक है, 1.9 ठीक ना, 1.9 माइनस 3 देखेंगे बेटा क्या आएगी, 1.1 आएगी, वो भी नेगेटिव की आएगी, ठीक ना, कैसे आएगी नेगेटिव की आएगी, और नेगेटिव का ब्रैकेट लेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बेटा माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक ना। अब रूट 2 से बड़ा है, रूट 3 के बीच में है, तो इसके बीच में वैल्यू क्या होगी बेटा 1.5 मान सकते हैं, 1.5 होती है इसकी वैल्यू, 1.5 का स्क्वायर करेंगे बेटा 2.25 होगा और माइनस का 3 होगा, वैल्यू आएगी माइनस का 0.75, तो इसका ब्रैकेट जो होगा वो माइनस का 1 होगा, बिल्कुल सही। रूट 3 से 2 के बीच की बात कर लेते हैं, तो 2 से कम होगा थोड़ा सा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 का मतलब ये होगा इसके वैल्यू 3.99 समथिंग होगी,
और 3.99 समथिंग अगर है तो वैल्यू क्या हो जाएगी चिंटा? 3.99 समथिंग की वैल्यू क्या हो सकती है? -3 करेंगे तो 0.99, और 0.99 का ब्रैकेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? 0 आ जाएगी। और जब हम 2 के बारे में बात करेंगे तो 2 एग्जैक्ट 2 के बारे में बात होगी तो 4 माइनस का 3 वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ पर मिल गई, ठीक है ना। अब बात आती है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी कहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों पॉइंट जो है बेटा ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 0 पे तो ये क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू सेम दिख रही तो ऑब्वियस सी बात है कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट जो हैं, इन दोनों पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों पॉइंट किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा? ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो 1 का लेफ्ट क्या है बेटा? -3। राइट क्या है? -2 है। तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। ऐसे ही इस पॉइंट के बारे में बात की जाए, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है रूट 2 को, इस पॉइंट पर भी डिसकंटिन्यूअस है, मतलब रूट 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। मतलब आपको मिल क्या गया बेटा? 1 मिल गया है, रूट 2 मिल गया, रूट 3 पे भी चेक कर लेते हैं, रूट 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। एंड 2 पे बात कर लेते हैं, 2 का लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग है, क्योंकि लेफ्ट की बात 0 है, एट द पॉइंट की बात करें तो 1 है, तो 2 पर भी डिसकंटिन्यूअस है। इसका मतलब है कि ये 4 पॉइंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर फंक्शन क्या होगा बेटा? डिसकंटिन्यूअस होगा। तो 4 पॉइंट्स पर क्या होगा बेटा? फंक्शन ये डिसकंटिन्यूअस होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ऐसे ही हमें बात करनी है डिफरेंसिबिलिटी के बारे में भी। तो डिफरेंसिबिलिटी के लिए भी हम क्या करेंगे कि जी ऑफ एक्स के बारे में बात करें। तो बेटा जी ऑफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स दिया गया बेटा, और इन ब्रैकेट दिया गया है मॉड एक्स प्लस इन मॉड 4x-7। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं बेटा? क्रिटिकल पॉइंट्स तो आपके पास ऑलरेडी ये हैं ही, क्योंकि एफ एक्स के क्रिटिकल पॉइंट्स है। एक क्रिटिकल पॉइंट आपको यहाँ से मिलेगा, एक्स की वैल्यू अगर 7/4 पर एक पॉइंट मिल जाएगा, हमें इसके बारे में भी बात करनी होगी, ठीक है ना। अब 7/4 की जो वैल्यू होगी वो ये 1 पॉइंट कितनी होगी बेटा? 1.8 के लमसम में होगी, तो मतलब √3 और 2 के बीच में होगी। तो मतलब हमारे पास ये पॉइंट्स हो जाएंगे, इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में हम लोग को बात करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, वैल्यूज को ब्रेक करते हैं बेटा, ठीक है ना। वैल्यू को ब्रेक कर दिया जाए और एफ एक्स के बारे में बात कर लीजिए। तो हमारे पास जो वैल्यू है बेटा उसके बारे में अगर देखा जाए तो हो क्या रहा है? फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो एक्स की वैल्यू क्या बेटा? -1/2 से लेकर के 0 के बीच में है। -1/2 से 0 के बीच में मतलब 0 से लेस है, 0 से लेस है। तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? -3 रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसके बारे में बात करते हैं, निगेटिव है बेटा तो ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव। तो -x -4x मतलब -5x हो जाएगा और +7 हो जाएगा, ठीक है। एक केस ये हो जाएगा आपके पास। दूसरा केस देख लेते हैं। दूसरा केस हो जाएगा जब एक्स की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होगी। अब 0 से 1 के बीच में अगर है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू अगेन -3 बेटा, -3। लेकिन इस केस में ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, 0 से 1 के केस में मॉड की वैल्यू क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। और ये वैल्यू क्या होगी? अभी भी निगेटिव होगी। तो ये होगा प्लस का एक्स माइनस 4x प्लस का 7 हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का 3 टाइम्स -3x प्लस 7 आ जाएगी। मतलब 0 से 1 के बीच की बात हो रही है बेटा, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें कि जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो वैल्यू बेटा अब क्या करना है? एक्स की वैल्यू किसके बीच में होगी? 1 से लेकर के √2 के बीच की बात कर लेते हैं। तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या बेटा? -2 है। और मॉड के अंदर की बात करें तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगी और अभी भी ये निगेटिव होगा। तो माइनस का 4x पॉजिटिव होगा और ये माइनस का 4x और प्लस का 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू क्या आएगी? -2 और -3x+7 हो जाएगी, ठीक है। इस केस के बारे में बात हो रही है। रूट टू से और √3 के बीच की बात कर लेते हैं। इस केस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। √2 से √3 के बीच की बात कर लेते हैं। तो इस केस में भी बात हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी। तो इसकी वैल्यू -1 थी। अगेन ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यू बेटा √3 से छोटा है, तो ये वैल्यू जो होगी, ये जो वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू अभी भी क्या होगी?
निगेटिव होगी, ठीक है ना, निगेटिव होगी तो फिर से वही काम कर देते हो, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 3x और प्लस का 7 आ रही है, ठीक है। अब रूट थ्री से आपको एक पॉइंट न्यू मिल गया बेटा, ये न्यू पॉइंट मिल गया आपको, ये न्यू पॉइंट मिल गया। अब इस न्यू पॉइंट पे हमें बात करनी पड़ेगी, तो जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है, न्यू पॉइंट क्या बेटा, रूट थ्री से लेकर के कहाँ तक, 7/4 तक के बीच की बात की जा रही है। उस केस में हमें इस मॉड के बारे में भी बात करनी होगी और इसके बारे में बात करनी होगी। तो रूट सेवन बाई फोर का मतलब क्या बेटा, लगभग 1.8 होगा, और 1.8 का स्क्वायर अगर करें, 1.8 का स्क्वायर करेंगे तो 3.24 होगा, और 3.42 का अगर ब्रैकेट किया जाए तो वैल्यू जीरो आ रही है बेटा। वैल्यू क्या जीरो आ रही है, मतलब फंक्शन क्या हो रहा होगा, जीरो हो रहा होगा, ठीक है, जीरो हो रहा है बेटा। जी ऑफ एक्स क्या था, जीरो आ रहा है। और अगर यही केस एक्स की, तो जब 7/4 से लेकर के और कहाँ तक बेटा बात हो रही है, 4 तक की, मतलब 2 तक की बारे में बात हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर देख लेते तो ये अगेन वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, जीरो आ रही थी। उस केस में वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। और एक केस अब जैसे कि एक्स के दो 2 पर बात कर लेते हैं, तो एक्स के दो 2 पर, एट एग्जैक्ट 2 पर, तो 2 पे क्या आ रहा था बेटा, इसके दो 1 आ रही थी, ये 1 था, और 2 पे बात करते तो 2 के केस में ये वैल्यू कैसी होती बेटा, पॉजिटिव थी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव होती, तो 5x माइनस का 7 आ जाता, तो ये जाता 5x माइनस 7 हो जाता। ये सारे की सारी वैल्यूज को हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है। जब ये सारी वैल्यूज एक्सपेंड हो चुकी है तो हमें डिफरेंसिबिलिटी चेक करनी है इसकी, ठीक है। तो देखते हैं, जीरो को चेक करने के लिए आपको इसे चेक करना पड़ेगा, तो जीरो का ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब हम इसको कलर चेंज कर देते हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि वैल्यूज कैसे मूव कर रही हैं। तो जीरो पे चेक करें बेटा, जीरो का केस ये है और एक केस ये है। हम लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, लेफ्ट हैंड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, डिफ्रेंशिएट किया बेटा, ध्यान रखिएगा, तो एक्स का 1 हो जाएगा, ये 15 हो गया, और यहाँ डिफ्रेंशिएट किया तो मतलब जीरो पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा, तो एक पॉइंट आपको मिल जाएगा जीरो। एक पॉइंट क्या मिल जाएगा बेटा, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, एक पॉइंट क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया, ठीक है। अब बात करते हैं 1 का, तो 1 को अगर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या आएगा, 9 आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, 9 आ गया। अगर हम यहाँ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 6 आएगा, तो मतलब आपको 1 पर भी डिफ्रेंशिएबल नहीं मिलेगा, तो एक पॉइंट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं रूट टू के लिए, तो रूट टू का केस आपके पास ये दोनों पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 6 आ रहा था, यहाँ पे प्लस का 3 आ गया, तो रूट टू भी नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करें रूट थ्री के केस में, तो रूट थ्री का पॉइंट ये आ गया, तो रूट थ्री का लेफ्ट साइड आपके पास प्लस का 3 है, और रूट थ्री का राइट साइड जीरो है, तो रूट थ्री भी नहीं होगा, दिस वन अगेन। अब बात करते हैं रूट थ्री से लेकर के 7/4 की बात कर रहे हैं, तो 7/4 पे डिफरेंशिएबल है बेटा, बिकॉज का लेफ्ट और राइट दोनों क्या है, इक्वल है, तो 7/4 नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं 2 की, ठीक है ना, तो 2 पे अगर देखा जाए तो 2 पर आपको नहीं लेना है, 2 को आपको नहीं लेना है, इसका मतलब ये है कि हम 2 के बारे में बात नहीं कर सकते। तो मतलब आपको मिल क्या गया बेटा, 4 पॉइंट्स मिल गए, कितने पॉइंट्स मिल गए, 4 पॉइंट्स मिल गए जहाँ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है एग्जैक्टली, तो इसका सी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने क्या किया बेटा, हर एक पार्ट को ब्रेक ब्रेक किया है और छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो किया है, जैसे क्वेश्चन क्या हो गया, थोड़ा सा एक्सपेंडिंग फॉर्म में आ गया है और इजी है, ठीक है ना, बहुत आसान फॉर्म में कर दिया है, जिसमें इसके सारे के सारे फंक्शंस को हम लोगों ने रिमूव किया है, और फंक्शन रिमूव करने के बाद कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, ओके। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कुछ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। फंक्शन दिया गया बेटा, एफ रियल टू रियल है, जी भी रियल टू रियल है, एच भी रियल टू रियल दिया गया, विद डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट एफ एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दे रखा है, और एच ऑफ जी ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, देन ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, देन ये सारे ऑप्शंस आपके पास दे रखे हैं, तो हमें चेक करना है कि सारी कंडीशंस में से विच वन इज ट्रू, ओके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो पहली चीज़ तो हमारे पास कंडीशंस क्या क्या दे रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपके पास फंक्शन दे रखा है, दैट इज ऑफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है ना,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी वो दे रखी टू, एंड एच ऑफ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है दैट इज एक्स दे रखी है। ओके हमारा काम जो है बेटा वहाँ पे स्टार्ट होता है जब आपको ऑप्शंस के हिसाब से काम कर लेना होता है। जैसे जी डैश ऑफ टू के बारे में बात करिए तो मतलब जी डैश ऑफ एक्स चाहिए आपको, तो एक काम करते हैं कि पहला काम हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं बेटा। किसको डिफ्रेंशिएट करते हैं? जी को, जी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा इंटू में एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? इसकी वैल्यू हो जाएगी सर ये एक्स है तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? वन आ जाएगी, ठीक है ना। ऐसा कुछ केस हो जाएगा, हमें निकालना है जी डैश ऑफ टू, मतलब एफ एक्स की वैल्यू टू होनी चाहिए, समझिएगा। तो एफ एक्स टू कब होगा? एफ एक्स की टू की वैल्यू होगी एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स प्लस का टू। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू यहाँ से आनी चाहिए जीरो, मतलब अगर आपने एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर दिया तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? टू हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जी डैश ऑफ एक्स की जगह जीरो पुट किया तो बेटा ये क्या आ गया? टू आ गया है। एफ डैश ऑफ आपको जीरो पर निकालना है, इज इक्वल टू क्या गया बेटा? वन आ गया। अब एफ डैश ऑफ जीरो अगर पुट करेंगे तो जी डैश ऑफ टू की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ डैश ऑफ एक्स देखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स अगर आपने निकाला दैट इज अ थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो एफ डैश ऑफ जीरो की वैल्यू थ्री आ जाएगी, तो जी डैश ऑफ टू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाई थ्री। इसका मतलब है कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है जी डैश ऑफ टू विच वन इज इनकरेक्ट। ओके फर्स्ट ऑप्शन हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं कि हमें एच डैश ऑफ वन की वैल्यू निकालनी बेटा, एच ऑफ जीरो की वैल्यू निकालनी, एच ऑफ जी ऑफ थ्री की वैल्यू निकालनी। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, एच के बारे में। तो देखिएगा ध्यान से कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू दे रखी है वो एक्स दे रखी है, ठीक है ना। और अगर हमें एच डैश ऑफ वन निकालना है तो इसका मतलब हमें इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो हम क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हम एक काम कर सकते हैं, जैसे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स दे रखी है तो हम एक काम करते हैं जहाँ पर भी एक्स है वहाँ एफ एक्स को रिप्लेस कर देंगे, करते हैं, ठीक है ना। देखिए एक स्टेप करते हैं और समझते हैं कि किस टाइप से काम किया जाएगा। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कर दिया बेटा, इसका मतलब हो गया यहाँ पे आ गया एफ एक्स, ठीक है ना। अब जी ऑफ एफ एक्स की जो वैल्यू एक्चुअल में एक्स है तो देखिए सिस्टम आसान हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया बेटा, आसान हो गया ना। तो ये हो गया एफ एक्स हो गया। अब एक चीज़ देखिए, जी ऑफ थ्री के बारे में बात की गई है तो एच ऑफ जी ऑफ थ्री आपको यहाँ से ही मिल जाएगा, एच ऑफ जी ऑफ थ्री। इसका मतलब है एफ ऑफ थ्री निकालना है आपको, और एफ थ्री आप चेक कर सकते हैं, थ्री को चेक करेंगे बेटा तो 27 प्लस 9, 27 प्लस 9 36, और प्लस का 2 38 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 38। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब एच डैश ऑफ के बारे में बात की जा रही है तो एक काम और कर सकते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एक्स है तो फिर से हम एफ एक्स को कन्वर्ट करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, समझिएगा इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी एक्स हो जाएगी, और वैल्यू आ जाएगी एफ ऑफ एक्स हो जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा केस है। अब बात करते हैं एच ऑफ जीरो की, तो एक्स की जगह जीरो लगाया तो एफ ऑफ जीरो, एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास टू दे रखी बेटा, एफ जीरो क्या दे रखा था? टू दिया हुआ है, तो मतलब ये हो गया एफ ऑफ टू। अब टू पर चेक कर लीजिए एफ टू कितना होगा, टू पर क्या होगा बेटा? एट सिक्स 14 प्लस टू 16, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज 16 आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और एच ऑफ एक्स की तो क्या बेटा? जीरो आ गया, मतलब ये करेक्ट हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब बच गया एच डैश ऑफ की बात, तो एच डैश ऑफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एच डैश ऑफ एक्स के बारे में बात कर लेते हैं, एच डैश ऑफ एक्स क्या बेटा? एच डैश ऑफ एक्स की जो है एफ डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स है। अब एफ डैश ऑफ वन के बारे में बात करनी बेटा, तो इसका मतलब हो गया एफ वन हो गया, एफ डैश ऑफ एफ वन हो गया, और ये हो गया एफ डैश ऑफ वन हो गया। हाँ तो यहाँ तक बात होगी बेटा, एफ डैश ऑफ एफ वन। अब आप सिंपल सी बात है बेटा, एफ वन की वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे? एफ वन की वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट, एफ वन की वैल्यू आप निकालेंगे बेटा यहाँ पर
पेन सेलेक्ट करना है, F1 की वैल्यू क्या है बेटा, और F1 तो F1 की वैल्यू आपको मालूम है, F1 के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई इन ब्रैकेट, इसके बारे में बात करते तो ये F1 के बारे में बात करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1 + 3 + 2 मतलब 6 हो जाएगा, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो F6 के बारे में बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, F6 मतलब 3 × 6 का स्क्वायर 36 हो गया और प्लस आपके पास आ गया 3, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स और ये हो जाएगा 108 + 3 मतलब ये आ जाएगा 6 × 111 × आ जाएगा बेटा 666, मतलब H1 की वैल्यू क्या बेटा 666 आ गया, इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है आपको कौन सा सही मिल गया बेटा, बी एंड सी सही मिल गया, ठीक है। तो तरीका आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा, ये एडवांस का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं और चीज़ों को ध्यान से देखते हैं तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं अपने आप, ठीक है। तो बात करें बेटा आप लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये क्वेश्चन 2018 एडवांस का क्वेश्चन है बेटा, और समझेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे आपको टैकल करना है, और ये मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे दिया गया है, लेट एफ दिया गया है 0 to π to real दिया गया है, बी अ ट्वाइस डिफरेंशियबल फंक्शन सच दैट लिमिट दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, इफ एफ ऑफ π/6 इज इक्वल टू -π/12 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। आपको फंक्शंस के बारे में बात करनी है, तो इसका मतलब सीधा सा कि आपको पहली बात तो फंक्शन पता होना चाहिए और देन हम उसके बारे में कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि फंक्शन के वैल्यूज क्या हो सकती हैं, ओके। तो पहले बात हम लोग स्टार्ट किससे करें बेटा, लिमिट से स्टार्ट कर लेते हैं, बस जो कंडीशन दी गई दैट इज अ लिमिट t tends to x दिया गया है और वैल्यू दी गई एफ ऑफ एक्स साइन टी माइनस एफ ऑफ टी साइन एक्स डिवाइड बाई टी माइनस का एक्स दिया गया, टी माइनस एक्स दिया गया है और इज इक्वल टू दिया गया बेटा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स दिया गया है, ठीक है ना। ये बातें समझ में आ रही होंगी, और टी की जगह बेटा अगर हम एक्स को सब्सटीट्यूट करेंगे तो एक्स ये साइन एक्स एफ एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स साइन एक्स हो जाएगा, मतलब ये 0/0 का फॉर्मेट है, 0/0 का फॉर्मेट है। अब जब 0/0 का फॉर्मेट है तो हम इसे क्या कर सकते हैं बेटा, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो को थोड़ा सा ईजी बनाने की कोशिश करते हैं। हमने अगर इसे डिफ्रेंशिएट किया तो टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा बेटा, तो ये वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स साइन टी का डिफ्रेंशिएशन बेटा कॉस टी आ जाएगा माइनस एफ डैश ऑफ टी आ जाना चाहिए और साइन एक्स तो कॉन्स्टेंट हो गया और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो होगी वो डिनोमिनेटर में वैल्यू टी का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। और लिमिट जो है वो टी टेंड्स टू एक्स है, तो टी की जगह जब आप एक्स को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ जो वैल्यू आएगी दैट इज एफ एक्स आ जाएगा और ये हो जाएगा कॉज एक्स माइनस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ध्यान से देखा जाए तो ये dy/dx है, ये क्या है dy/dx है, ध्यान से देखिए dy/dx है, ठीक है ना। और इंटू में साइन एक्स दिया गया है माइनस ये जो है y cos x है इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स है। ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बनती हुई दिख रही है, तो सिंपल से काम कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं dy/dx माइनस वाई कॉज बाई साइन कर लेते हैं कॉट एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू साइन एक्स से डिवाइड किया तो माइनस का साइन एक्स हो गया। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें आई एफ आपको निकालना पड़ेगा, तो आई एफ की जो वैल्यू होगी वो ई रेस्ट पावर क्या होना चाहिए माइनस ऑफ कॉट एक्स डी एक्स होगा, मतलब होगा ई पावर माइनस का एल एन साइन एक्स हो गया, इसका मतलब हो गया 1/sin x या साइन एक्स का इन्वर्स कर सकते हैं ना, साइन एक्स का कंप्लीट का इन्वर्स मतलब 1/sin x 1/sin x हो सकता है, ठीक है ना। आई एफ हो गया,
तो अगर हम इसका सोल्यूशन निकालना चाहें तो क्या होता है बेटा, वाई इंटू आई एफ होता है इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड माइनस का साइन एक्स इंटू आई एफ दिया गया है वन अपॉन साइन एक्स डी एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट टर्म आ जाएगा, तो ये वैल्यू आएगी वाई अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू आएगा माइनस का एक्स, ठीक है ना, माइनस का एक्स आ जाएगा प्लस का सी आ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ दे रखी बेटा, वाई ऑफ पाई बाई सिक्स के लिए माइनस का पाई बाई ट्वेल्व दे रखी है, तो माइनस का पाई बाई ट्वेल्व डिवाइड बाई साइन एक्स साइन पाई बाई सिक्स, साइन पाई बाई सिक्स बेटा वन बाई टू हो जाएगी और इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू है बेटा माइनस का पाई बाई सिक्स प्लस का सी, तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो सी की वैल्यू जीरो आ जाएगी। सी को जीरो आते ही आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि y की जो वैल्यू है y इज इक्वल टू जो आ गया वो क्या आ गया, माइनस का x साइन x आ गया, क्योंकि c जीरो हो गया तो माइनस का x साइन x आ गया, मतलब आपके पास fx आ गया बेटा, fx की वैल्यू आ गई माइनस x साइन x। अब बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो अब ऑप्शन के हिसाब से देख लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो दिया गया बेटा f पाई बाई फोर दिया गया, तो पाई बाई फोर पुट कर देते हैं, तो पाई बाई फोर मतलब माइनस का पाई बाई फोर इंटू वन बाई रूट टू हो जाएगा, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं है क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू क्या आ गई पाई बाई फोर पर पॉजिटिव आ रही है। एफ एक्स की वैल्यू चेक करना है बेटा, एफ एक्स की जो वैल्यू है अगर हम चेक करें तो ये माइनस का एक्स है और साइन एक्स को अगर हम एक्सपेंड करें तो एक्स माइनस का एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री मतलब सिक्स हो सकता है, प्लस एक्स पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव होता है बेटा 120 हो जाएगा। इस टाइप से आप इसे एक्सपेंड कर देते हैं, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर अपॉन सिक्स होगा माइनस एक्स पावर सिक्स बाई 120 होगा। अगर हम इस वैल्यू को हटा दें बेटा तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, माइनस को अगर हम हटा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा, तो एफ एक्स विच इज लेस देन एक्स पावर फोर बाई सिक्स माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक केस तो आपको ये बनता हुआ दिख रहा है कि ये दिस वन करेक्ट, ठीक है ना। अब इसने कहा कि देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई सच दैट एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो, इसे चेक कर लेते हैं बेटा, तो वाई डैश कर देते हैं, वाई डैश की वैल्यू क्या करेंगे माइनस को बाहर रखते हैं, एक्स साइन एक्स का क्या हो गया कॉज एक्स हो गया प्लस साइन एक्स को हमने कॉन्स्टेंट रखा, ठीक है, और साइन एक्स को कॉन्स्टेंट रखा तो वैल्यू क्या आ गई बेटा जीरो आ गई। इसका मतलब ये है कि एक्स कॉज अल्फा इज इक्वल टू माइनस का साइन एक्स हो गया, या हम इसे लिख सकते हैं सॉरी एक्स है बेटा ये, और ये हो गया टेन एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स हो गया। अब टेन एक्स और इज इक्वल टू माइनस एक्स के बारे में बात करें तो ये वैल्यू अगर इसके बीच में क्या कोई लाइन कट करेगी क्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ये बेटा ये पाई बाई टू हो गया, सॉरी ये क्या हो गया बेटा पाई बाई टू के बारे में बात कर रहे थे, ये पाई बाई टू हो गया, ठीक है ना, ये पाई बाई टू लाइन है, ये पाई लाइन हो गई, ठीक है ना, कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते, ये वाई एक्सिस हो गई। तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में बात की जाए तो ग्राफ जो होता है बेटा कुछ ऐसा आता है और ये ऐसा ज़्यादा होता है, अगर हमने ये माइनस पाई बाई टू ले लिया तो, ठीक है ना। वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो है आपकी कुछ स्टेप जा रही होगी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन जो होगी कुछ स्टेप जा रही होगी, देखते हैं दिस वन, ये पॉइंट जीरो है, ये पाई बाई टू था और ये पाई है, इसके बीच में इस पॉइंट पर इस लाइन ने कट किया, मतलब देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू जीरो टू पाई सच दैट एफ डैश अल्फा इज इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रू होगा, मतलब सी सेक्शन में हमारा सही हो जाएगा। अब बच जाता है डी सेक्शन, उससे भी चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, तो डी सेक्शन को चेक करते हैं बेटा, एफ डेस ऑफ पाई बाई टू कहा गया, तो एफ डेस ऑफ पाई बाई टू, ठीक है, तो एफ डेस ऑफ के बारे में बात कर देते हैं, तो एफ डैश कर दिया जाए बेटा यहाँ पे, तो एफ डैश किया था मैंने ये, तो एफ डैश के बारे में बात करें पाई बाई टू पर, तो पाई बाई टू पर क्या बेटा वैल्यू आएगी माइनस का वन आएगी, एफ डैश ऑफ पाई बाई टू पर क्या वैल्यू आएगी, एफ डैश ऑफ पाई बाई टू के बारे में बात हो रही है तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा
पाई बाई टू पुट किया तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी, मतलब माइनस का वन आ जाएगी। और एफ पाई बाई टू के बारे में बात कर लेते हैं, पाई बाई टू के बारे में बात करेंगे तो माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा, और इन दोनों का सम किसी भी केस में जीरो तो हो नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है आपका, ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि लिमिट से लेकर के ये कहाँ चला गया बेटा, डिफरेंशियल इक्वेशन कनेक्ट किया, और इस टाइप से हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको पसंद आएगा, ठीक है। तो बात करेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। फंक्शन दे रखा बेटा एफ टू की वैल्यू 6 दे रखी है, एड्रेस ऑफ टू की वैल्यू 1/48 है। इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस अब आपको मिलते हैं इस पैटर्न पर और हर साल मिलते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। देखिए बेटा यहाँ पे 6 के दिया गया है और ये दिया गया है एफ ऑफ एक्स दिया गया है, और वैल्यू है 4 टाइम्स टी क्यूब, और दिया गया डी टी इज इक्वल टू है एक्स माइनस का 2 और जी ऑफ एक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, इस टाइप के फंक्शन को क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है, तो हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए, इस चीज़ को समझेंगे। तो अगर हमने इसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स का कंप्लीट क्यूब हो जाएगा, माइनस का जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स माइनस टू को कांस्टेंट रखा जी का डिफरेंशिएशन, तो जी डैश ऑफ एक्स हो जाना चाहिए, और प्लस का अगर हमने एक्स माइनस टू को कांस्टेंट ना रख के उसे डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा। हमें जी ऑफ टू के बारे में बात करनी बेटा, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू टू के बारे में बात करें, तो एक्स इज इक्वल टू टू डायरेक्ट आप सब्सटीट्यूट कर लेते, तो यहाँ पे आएगा बेटा एफ डैश ऑफ टू आ जाएगा, 4 टाइम्स एफ डैश एफ ऑफ टू का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू टू पर ये जीरो हो गया और यहाँ पे जी ऑफ टू आ गया, ठीक है ना। एफ डैश ऑफ टू की वैल्यू आपको दे रखी है बेटा 1/48 दे रखी है, 1/48 है इंटू 4, और ये क्या आ जाएगा बेटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 का क्यूब हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा 6 × 6 × 6 हो गया, और ये जी ऑफ टू हो गया। अब 6 से अगर आपने कैंसिल किया तो 6 से कैंसिल करने पे कितना आएगा, 8 हो जाएगा, 4 से कैंसिल पे 2 हो जाएगा, और 2 से कैंसिल करने पे 3 आ जाएगा, मतलब जी ऑफ टू की वैल्यू आपको मिलेगी क्या बेटा, 18 मिल जाएगी, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से कर लेने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इन्हें इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दें तो 100% गारंटी है कि आपको मेंस में एडवांस में इसका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, ओके। चलिए तो हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, लेस देन आर इक्वल टू एक्स दे रखा है, देन विच एट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स द फंक्शन दिस इज डिसकंटिन्यूअस। आपको डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होता है यहाँ पर, ठीक है ना। जब भी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती है तो हम लोग को उस पॉइंट को लिए बात करनी होती है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो इंटीजर टाइप में ही दे रखी है, तो मतलब -1, 1, 0, 1, 2 है, और इसको चेक करना है कि किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। चलिए तो डिसकंटिन्यूटी के लिए क्या कर सकते हैं बेटा, आपको लिमिट पता होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और इज इक्वल टू एट द पॉइंट, इसी के बारे में बात करते हैं बेटा हम लोग, एट द पॉइंट, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एट द पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए लेफ्ट लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं, और हम लोग को पॉइंट्स ले लेने पड़ेंगे बेटा। अगर हम पॉइंट्स लेकर काम करें तो सबसे आसान तरीका होगा, तो एक काम करते थे -1 से ही स्टार्ट कर देते हैं। एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है दैट इज अ एक्स कॉज ब्रैकेट पाई, और ब्रैकेट है एक्स प्लस ब्रैकेट एक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। हम -1 माइनस के बारे में बात करने जा रहे हैं, -1 माइनस के बारे में, ध्यान रखिएगा, -1 माइनस के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये -1 हो जाएगा बेटा,
माइनस वन माइनस एच का मतलब माइनस वन हो जाएगा, जो हो गया कॉज पाई इन ब्रैकेट, ये माइनस वन प्लस एच है तो माइनस वन होगा, और ये माइनस एच माइनस माइनस का टू हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आती होगी, ठीक है ना। ये हो गया माइनस वन इंटू हो गया कॉज माइनस थ्री पाई, मतलब कॉज थ्री पाई हो गया। अब थ्री पाई का मतलब क्या है, माइनस वन, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, प्लस वन आ गई। माइनस वन पे चेक किया, माइनस वन प्लस पे चेक कर लेते हैं। बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ बेटा आपको, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ना नहीं है, ठीक है ना। सिंपल सा है, आपको लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट के बारे में बात करें तो आप चेक कर लीजिए पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर माइनस वन प्लस के बारे में बात करें तो माइनस वन तो यहाँ पे ही रहेगा अभी भी। ये हो गया कॉज, ये हो गया पाई, यहाँ पे माइनस वन प्लस का मतलब भी माइनस वन ही होगा। माइनस वन प्लस का मतलब बेटा ये अगेन माइनस का हो जाएगा, और कॉस टू पाई हो जाएगा बेटा ये। अब कॉस टू पाई की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, और कॉस टू पाई वन इंटू माइनस वन का मतलब क्या हो गया, माइनस वन हो गया। मतलब माइनस वन पे तो डिसकंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस पूछा गया तो माइनस वन पे होगा, वन पे चेक कर लिया जाए। अगर हम वन पे चेक कर देते हैं तो वन सॉरी जीरो पे चेक कर देते हैं तो जीरो प्लस पे कर दिया जाए। जीरो प्लस पे करेंगे, जैसे ही आपने जीरो प्लस पे किया या जीरो माइनस पे किया तो जीरो तो होगा ही बेटा यहाँ पे, और बाकी कुछ भी प्रेजेंट रहे जीरो प्लस या जीरो माइनस पे वैल्यू क्या आएगी, हमेशा जीरो आएगी। मतलब इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस होगा, ओके। अब बात करेंगे वन की, तो वन माइनस पे बात कर लिया जाए। वन माइनस पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका वन, और ये आएगा कॉज इन ब्रैकेट पाई के साथ क्या आ गया, वन। और यहाँ वन माइनस के बारे में बात करेंगे तो ये वन माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जीरो आ जाएगी। तो कॉस पाई हो गया, और कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन होती है। अब बात करेंगे वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस के बारे में बात करते हैं तो वन इंटू कॉज पाई का मल्टीपल जो होगा बेटा वन प्लस का वन हो जाएगा, कॉस टू पाई हो जाएगा, और कॉस टू पाई की वैल्यू वन होती है। तो अब बेसिक बात है, इस पॉइंट पे भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना। अब बच जाती बात टू की, तो टू प्लस पे चेक कर लीजिए बेटा। टू प्लस पे चेक किया तो यहाँ तो टू ही आएगा, और कॉज के साथ पाई। अब तो बहुत सिंपल समझ में आ रहा होगा कि टू आएगा और टू प्लस का मतलब टू हो जाएगा, तो मतलब फोर पाई हो गया, मतलब यहाँ पे फोर आ जाएगा। कॉज फोर पाई की वैल्यू वन हो जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू टू आ गई। और टू माइनस के बारे में बात करें तो टू माइनस पर ये टू होगा, और ये कॉज इन ब्रैकेट पाई टू, और टू माइनस पर इसकी जो वैल्यू होगी वो वन हो जानी चाहिए, प्लस वन थ्री पाई हो गया, थ्री पाई पर माइनस का वन मतलब माइनस का टू हो जाएगी। मतलब ये सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे फंक्शन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा केवल जीरो को छोड़ करके, ठीक है। तो आई होप आपको ये तरीका अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक तरीका अप्लाई किया है बेटा हमने, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं अप्लाई की है, सिंपल पॉइंट को लिया है, चेक किया है किन पॉइंट्स पे कैसे वैल्यूज को आप आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा इन बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देखिएगा यहाँ पे दे रखा है 375 एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन अल्फा रेस्ट पावर आर प्लस का लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन बीटा रेस्ट पावर आर के बारे में बात की। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिया गया है, और दिया गया है आपके पास समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n है, अल्फा रेस्ट पावर r है, प्लस समेशन r इज इक्वल टू 1 टू n है, और बीटा पावर r है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं, और समेशन को भी अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये जो वैल्यू है बेटा ये कुछ इस टाइप से दी गई कि अल्फा की वैल्यू 1 से लेकर n तक है, और n क्या है, इन्फिनिटी तक है। तो यहाँ पे स्टार्ट जो है वो अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू अल्फा रेस्ट पावर इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है ना। प्लस ऐसे ही ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बीटा प्लस का बीटा स्क्वायर अप टू इन्फिनिटी जा रही है। जी पी ऑब्वियस सी बात दिख रहा है, तो ये हो गया अल्फा अपॉन वन माइनस का अल्फा, प्लस ये हो गया बीटा अपॉन वन माइनस का बीटा। हमने जी पी का सम लगा दिया, ठीक। और सम लगाने के बाद देखते हैं कि हम लोग को रिजल्ट क्या मिलता है, क्योंकि अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं, तो अल्फा बीटा को हमें यहाँ सब्सटीट्यूट करना होगा। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा वन माइनस अल्फा प्लस बीटा आएगा, और प्लस का अल्फा बीटा आएगा, ठीक है ना। और अगर हमने यहाँ पे देखा
दिया गया अल्फा माइनस अल्फा बीटा और प्लस का बीटा माइनस अल्फा बीटा आ गया, मतलब सारी की सारी वैल्यूज आ गई, जैसे अल्फा प्लस बीटा आ गया, माइनस टू अल्फा बीटा आ गया, और यहाँ अगर देखा जाए तो यह गया वन माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस का अल्फा बीटा। तो अगर हमने इसे कैलकुलेट करके देख लिया है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है बेटा कि हमें सम ऑफ रूट निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है। तो यहाँ पे आपको मालूम है कि अल्फा एंड बीटा का सम अगर निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, 25/375 आएगा, और इसे अगर कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है ना, अभी नहीं देते हैं कैलकुलेशन को क्योंकि मुझे लगता है एलसीएम 375 आएगा और यह अगर माइनस का 2/375 आएगा। चलिए तो इसे कैलकुलेट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ गई दैट इज 25/375 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, ये जगह 4/375, ठीक है ना, मतलब ये 29 टाइप का आ रहा बेटा, तो मुझे लगता है कि ये आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर भी देखते हैं, वन माइनस का अल्फा प्लस बीटा की जगह 25/375 और ये होगा माइनस का 2/375, तो ऊपर हो गया 29/375 का देखते हैं 375 माइनस का 27, 375 माइनस का 27 करेंगे अगर आप तो कितना आएगा, 15 माइनस का 7 8 हो जाएगा, मतलब 358 आ जाएगा, 358 आएगा डिवाइड बाय 375, मतलब आपका आंसर क्या आया बेटा, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे ऐसा नहीं था कि आपको अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी थी, सिंपल सा केस ये था कि आपने इसे कैलकुलेट किया तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सेट हो गया, ओके। चलिए बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर ए फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1/4। चलिए तो क्वेश्चन को समझते हैं पहले बेटा बात को और देखते हैं कि क्या कंडीशन है। तो यहाँ पे ही अगर हम देखें, लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस ए एक्स साइन एक्स माइनस वन प्लस ए, मतलब अगर हम एक्स के लिए को वन पुट करें तो देखेंगे क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे वन पे जीरो हो जा रहा है, वन पे ऊपर भी जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो की फॉर्म है, और ऊपर अगर देखा जाए तो वन पुट करने पे जीरो बाई जीरो की पावर जीरो, ऐसे कोई इंडिफिनिट फॉर्म तो होती नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझिएगा, कभी भी इंडिफिनिट फॉर्म अगर नहीं है तो उसे फॉर्म को कन्वर्ट कीजिएगा। जैसे देखिएगा लिमिट एक्स टेंस टू वन, हमने ब्रैकेट को एज इट इज रखा, ठीक है ना, अब जो ब्रैकेट को एज इट इज रख दिया है, इस चीज़ को समझिएगा, तो यहाँ पे जो ऊपर है, ऊपर जो है हम कुछ ऐसा देख सकते हैं क्या, वन प्लस का रूट एक्स है और वन माइनस का रूट एक्स है और डिवाइड बाई वन माइनस का रूट एक्स है, दिख रहा होगा आपको, ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब हमारे पास जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू वन इन ब्रैकेट ऑफ साइन एक्स माइनस वन, या ए लिख देते हैं, माइनस ए कॉमन ले लिया तो ये आ गया एक्स माइनस का वन प्लस साइन एक्स माइनस वन आ गया डिवाइड बाय, अगर हम देखें तो, अगर देखें तो यहाँ पे भी एक्स माइनस का वन है और प्लस साइन एक्स माइनस वन है और कंप्लीट ब्रैकेट उसकी पावर अगर देखा जाए तो वन प्लस रूट एक्स है इज इक्वल टू 1/4 है। इसका मतलब सीधा सा है कि वो पहले तो क्या बेटा 0/0 फॉर्म है और उसकी पावर जो है वो 2 है, मतलब पावर से आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हमें दिख रहा तो हम उसे एक्स माइनस वन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्स टेंस टू वन दिया हुआ है, एक्स माइनस वन कॉमन लिया तो माइनस ए आएगा और प्लस का ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन आ जाएगा डिवाइड बाई, यहाँ पे आएगा वन प्लस का साइन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस का वन आ जाएगा और इसकी पावर जो है वन प्लस का रूट एक्स है इज इक्वल टू 1/4 है, इज इक्वल टू 1/4 है, ठीक है। अगर हम लिमिट को अप्लाई करें तो ये वैल्यू वन हो जाती है, तो ये आ गया माइनस का ए प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन, टू हो गया, जिसका अगर हमने लिमिट लगाया तो स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4 हो गया, टू से फोर को कैंसिल कर सकते हैं और हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं या स्क्वायर हटा सकते हैं, तो माइनस का ए प्लस वन इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस का वन, ठीक है। वन अगर पॉजिटिव है तो, अगर वन पॉजिटिव तो ए की वैल्यू जीरो आ गई है, और अगर वन निगेटिव है तो ए की वैल्यू टू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया था लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर
कि लार्जेस्ट वैल्यू जो है बेटा वो क्या है, टू है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लार्जेस्ट वैल्यू। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी टू आ रही है। तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए था इसका, इसका आंसर जो आएगा वो टू आ जाएगा, ठीक है ना। तो अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा इसकी भी, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। इस पैटर्न को ही फॉलो करना होता है, क्योंकि इसी पैटर्न के ही क्वेश्चंस आपको मिलने होते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और करेंगे बेटा हम लोग, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, ये 16 है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर क्या बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं कि वैल्यू एक्चुअल में हो क्या रही है। अल्फा बीटा, और मुझे लगता है कि सेम टाइप का क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया भी था इसे, अल्फा और प्लस बीटा। तो इसका मतलब यह है कि जो क्वेश्चन आपसे कहा गया है बेटा, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा आपको, लिमिट अल्फा टेंस टू 0 प्लस अल्फा ए है एंड लिमिट अल्फा टेंस टू 0 प्लस बीटा अल्फा है, सॉरी ये अल्फा ही होगा, ठीक है ना, ए होगा यहाँ पे, सॉरी क्या होगा, ए होगा, बीटा ए है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन दिया गया है बेटा, इस चीज को समझेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर जो सम ऑफ रूट्स है अल्फा प्लस बीटा, उसकी वैल्यू एक्चुअल में हो क्या रही है। सम ऑफ रूट जो है वह रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए और माइनस का 1 दिया हुआ है, ठीक है, ये सम ऑफ रूट्स। सेम मैनर अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में भी बात करें, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट जो दिया गया है वो है 1 प्लस का ए सिक्स रूट ऑफ माइनस 1 अपॉन, ये जो दिया गया क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस ए माइनस 1 दिया गया है। और लिमिट कही गई बेटा, लिमिट ए टेंस टू 0 है, ए टेंस टू 0 के बारे में बात की। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, लिमिट अप्लाई कर लेते हैं बेटा, लिमिट ए टेंस टू 0 यहाँ पे भी आप अप्लाई कर दीजिए, लिमिट ए टेंस टू 0 यहाँ पे अप्लाई कर दीजिएगा, लिमिट ए टेंस टू 0 और यहाँ भी हम अप्लाई कर रहे हैं लिमिट ए टेंस टू 0, ठीक है ना, 0 पे अप्लाई कीजिए। जैसे आपने अप्लाई किया बेटा इसे ए टेंस टू 0 पर, तो जैसे 0 पे अप्लाई किया, तो आपकी बेस सी बात है कि आप अगर या तो इस चाहें तो रेशनलाइज कर दीजिए, या आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। रूट को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 अपॉन क्या आ गया बेटा, 2 टाइम्स इन रूट ऑफ 1 प्लस का ए हो जाएगा, डिवाइड बाई ये क्यूब रूट है 1/3, 1 अपॉन क्या जाएगा बेटा, 1 अपॉन पावर में माइनस का 2/3 हो जाएगा। तो मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस ए की पावर 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और लिमिट ए टेंस टू 0 है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होगी नहीं, तो यहाँ पे क्या जाएगा बेटा, 3/2 आ जाएगा। मतलब लिमिट ए टेंस टू 0 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई, 3/2 आ गई। और बात करेंगे अल्फा टेस्ट एंड बीटा के बारे में, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, इसे डिफ्रेंशिएट किया बेटा 6th रूट है तो 1/6 आ जाएगा, और पावर में क्या आएगा बेटा, माइनस का 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाएगा 1/1 प्लस ए रेस्ट पावर 5/6 हो गया, और डिवाइड बाय अगर हम यहाँ देखें तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन 1/3, और 1/1 प्लस ए रेस्ट पावर 2/3 हो जाएगा। कैंसिल आउट किया बेटा तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई, ठीक है ना, 1/2 आ जाएगी। मतलब सीधा सा है कि वैल्यू हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 3/2 आ रही है, और अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1/2, ठीक है ना। ये केस हमारा बदला है, तो अल्फा इंड बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है ये समझना हमें, ठीक है ना। अल्फा इंड बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है अगर प्रोडक्ट देखा जाए। और हाँ एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर जो केस है ना, यहाँ पे केस देख लीजिए बेटा, प्रोडक्ट आना चाहिए 1/2, तो प्रोडक्ट तो 1/2 आपको यहाँ दिख रहा है, प्रोडक्ट 1/2 यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो एडिशन है वो -3/2 नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट था, इस क्वेश्चन में क्या था बेटा, मिसप्रिंट था, और ये क्वेश्चन में यहाँ पे प्लस आया होता, ठीक है ना। अगर आप जैसे ही आप इसे प्लस करते तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी बेटा सम ऑफ रूट्स की, वैल्यू माइनस में आ जाएगी, और जैसे ही आप इसे माइनस करेंगे तो कंडीशन कैसे आएगी बेटा, माइनस किया जाएगी, और यहाँ -3/2 आ जाएगा। तो ये -3/2 अगर आप ऐड करेंगे तो -3/2 आएगा, और प्रोडक्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान रखेंगे वैल्यू कैसे थी बेटा,
प्लस का क्वेश्चन है था, तो यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा, 17 हो गया है। अब बात करें हम क्वेश्चन नंबर 18 की। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में भी बात कर लेते हैं। लेट एम एन एन पी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन वन इफ दिस इज इक्वल टू माइनस सी बाई टू देन वैल्यू ऑफ एम बाई एन। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक के ऊपर डिपेंड करता है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आजकल जो भी क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, बहुत बेसिक पे डिपेंड करते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक अगर आपका बहुत स्ट्रांग है ना, तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, इस क्वेश्चन जब आया था तो उस क्वेश्चन में एक पैटर्न बहुत सिंपल सा है जो कि आप लोगों को बहुत आसानी से पता होता है। ए पॉल एक्स माइनस का वन अपॉन एक्स की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। अगर आपको ये पैटर्न मालूम है, ठीक है ना, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और दूसरा चीज़, एक चीज़ और समझेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस का कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू वन बाई टू होती है। बस ये दो फॉर्मूले जो हैं जिन्हें आपको याद रखना है और इसके हिसाब से सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व होता है बेटा। पहली चीज, इस पूरे सिस्टम से अगर हम ई को बाहर निकालें, क्योंकि हमारे पास ई पावर एक्स का फॉर्मेट है बेटा, ई पावर एक्स का फॉर्मेट है तो वन होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ई को कॉमन निकालेंगे। तो ई अगर हमने कॉमन निकाल दिया तो आ गया लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, सॉरी अल्फा टेंस टू जीरो आ गया। ई पावर कॉज अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस का वन होगा, माइनस वन आएगा, डिवाइड बाई आएगा अल्फा रेस्ट पावर एम, यह जाना चाहिए इज इक्वल टू दिया गया माइनस का ई बाई टू दिया गया है, ठीक है ना। ई को आप चाहे तो आप हटाते हटा सकते हैं, कैंसिल हो गया, मतलब माइनस का वन बाई टू हो गया, ठीक है। अब ई पावर एक्स का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर कॉज अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस वन डिवाइड करना होगा और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही आपने ये काम किया तो इस चीज़ को समझिएगा, जैसे ही आपने इस काम को किया तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को आप वन लिख सकते हैं, बिकॉज अगर अल्फा की वैल्यू जीरो है तो अल्फा जीरो होगा तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है बेटा, और कॉस जीरो की वैल्यू वन होगी तो वन माइनस वन जीरो, ई पावर जीरो, यहाँ पर फॉर्मेट क्या बेटा, ई पावर जीरो अपॉन ये जीरो हो जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। और बच क्या जाएगा, अब बचा क्या हमारे पास, बच क्या है, लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो। अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन निकालेंगे तो वन माइनस कॉज अल्फा रेस्ट पावर एन आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे आएगा अल्फा रेस्ट पावर एम आ जाएगा, और माइनस कॉमन लिया था बेटा आपने, या माइनस को कॉमन लिया था तो यहाँ पे हमने लिख दिया वन बाई टू। बहुत सिंपल सा काम, माइनस हटा दिया। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू अगर हम इस फॉर्मेट को ध्यान रखें, वन माइनस का कॉज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है वन बाई टू, तो यहाँ अल्फा पावर एन है तो हम एक काम करते हैं, अल्फा पावर एन का स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, और अल्फा रेस्ट पावर एन माइनस एन का स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होगी बेटा, ये वैल्यू आप देखिए ध्यान से, तो वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू। अगर ये वन बाई टू हो गया तो ये हो गया वन बाई टू, ऊपर हो गया अल्फा रेस्ट पावर टू एन डिवाइड बाई अल्फा रेस्ट पावर एम, और लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो है इज इक्वल टू आ गया वन बाई टू, वन बाई टू भी कैंसिल आउट हो गया। मतलब ये हो गया अल्फा पावर टू एन माइनस एम, और लिमिट अल्फा टेंस टू जीरो इज इक्वल टू आ गया वन। अच्छा एक चीज़ समझिएगा, इस लिमिट की वैल्यू वन कब हो सकती है, वन तो तभी होगी ना जब अल्फा की पावर क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अल्फा की पावर अगर जीरो होगा तभी इसकी वैल्यू वन होगी। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो टू एन माइनस एम की वैल्यू वन जीरो हो जानी चाहिए, मतलब टू एन की वैल्यू एम होगी, और अगर हम चेक करें तो एम बाई एन की जो वैल्यू होनी चाहिए वो टू होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन था, ये इतना आसान क्वेश्चन था, लॉन्ग स्टोरी लंबा, सच दैट लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो दिया गया है, और दिया गया है एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स डिवाइड बाई दिया गया है अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स दिया गया, और इसकी वैल्यू क्या दी गई, वन दी गई है, ठीक है ना। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालनी है बेटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, सिक्स टाइम दे रखा है, ठीक है, देखते हैं क्या आनी चाहिए। तो सिंपल सा केस ये है कि बेटा, अगर हम लोग सोचते हैं कि इसे अगर डिफ्रेंशिएट कर लें डायरेक्ट, जीरो बाई जीरो तो है ही, अगर हम फर्स्ट टाइम में डिफ्रेंशिएट करें तो, अगर डिफ्रेंशिएशन करें तो देखिएगा ध्यान से, हम इसको अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो आएगा, एक्स स्क्वायर
कॉन्स्टेंट हो गया साइन का अगर करते हैं या आप इसे काम करते हैं डिफ्रेंशिएट ना करके इसे माइनस करने की कोशिश करते हैं। साइन बीटा एक्स है डिवाइड बाय हमने कर दिया बीटा एक्स कर दिया इंटू में बीटा एक्स कर दिया ठीक ना, डिवाइड बाय अल्फा एक्स है माइनस का क्या हो गया साइन एक्स बाई एक्स कर दिया इंटू एक्स कर दिया वन हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी वन हो जाएगी, मतलब ऊपर क्या आ गया बीटा एक्स क्यूब हो गया डिवाइड बाय यहाँ पे आ गया एक्स इंटू अल्फा माइनस का वन आ गया ठीक ना, मतलब ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर हो गया, मतलब हो गया बीटा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा माइनस का वन इज इक्वल टू क्या आना चाहिए वन आना चाहिए ठीक है ना। तो इस टाइप से अगर चीज़ों को देखें तो यहाँ पे ऊपर जीरो आ जाती है वैल्यू, बेटा वैल्यू वन तो आ नहीं रही है आपकी ठीक है ना। तो हम इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन मेथड से करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बैलेंस करके देखा तो बैलेंस करने पे क्या हो बेटा थोड़ी सी दिक्कत आ रही ठीक है ना। आप लोगों की आदत होती है क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट पे कर लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके भी आप देख लीजिए ठीक है। हम एक काम करते हैं हम इसको थोड़ा सा माइनस करने की कोशिश करते हैं कि लिमिट अगर एक्स टेंड्स टू जीरो है और ये एक्स स्क्वायर है इंटू साइन बीटा एक्स है तो हम लोग एक काम करते इसका एक्सपेंशन रूल अगर अप्लाई कर लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है बेटा ठीक है ना। तो ये हो गया बीटा एक्स हो गया माइनस क्यूब होता है बेटा बीटा क्यूब एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस अप टू हायर लेवल तक जाएगा डिवाइड बाई अगर हम यहाँ देखें तो ये हो गया अल्फा एक्स हो गया माइनस अगर देखा जाए साइन एक्स से बेटा तो यहाँ पे होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस हायर लेवल इज इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा वन आना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो अब अगर देखा जाए ऊपर से तो कम से कम आपको एक्स तो कॉमन मिल जाएगा एक्स क्यूब होगा माइनस का ये हो गया बीटा क्यूब एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल थ्री इस टाइप से वैल्यू मूव करेंगे और डिवाइड बाय अगर हम यहाँ देखते हैं एक्स को कॉमन ले लिया जाए ध्यान से देखेंगे तो एक्स को कॉमन लिया जाए तो अल्फा एक्स क्या है बेटा अल्फा माइनस का वन आएगा अल्फा माइनस का वन आएगा और माइनस का अगर बाकी केस देखा जाए तो प्लस का एक्स क्यूब तो बाकी से मुझे एक्स क्यूब मिल जाएगा और प्लस का वन बाई फैक्टोरियल थ्री आएगा माइनस का बाकी भी सारी चीज़ें आएंगी ठीक ना इज इक्वल टू वन। अब एक चीज़ देखिएगा इस क्वेश्चन को देखते एक चीज़ तो समझ में आती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बैलेंस कब हो सकते हैं जब दोनों की पावर सेम हो जाए ठीक ना। इसका मतलब है इस केस में अल्फा की वैल्यू ये प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अगर ये प्रेजेंट रहेगा ना तो हमेशा सिस्टम को क्या करेगा जीरो करेगा जबकि हमें रिजल्ट क्या चाहिए बेटा वन चाहिए। तो इसका मतलब है कि अल्फा माइनस वन शुड बी जीरो तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी बेटा वन आएगी और जैसे अल्फा वन आ गया तो इसका मतलब है एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया और वैल्यू सब्सटीट्यूट किया एक्स टेंस टू तो बाकी सारी वैल्यूज क्या हो रही जीरो हो रही है बच गया बीटा बीटा डिवाइड बाय वन बाय फैक्टोरियल थ्री बचेगा मतलब वन बाई सिक्स बचेगा बेटा वन बाई सिक्स इज इक्वल टू आएगा आपके पास वन आ जाएगा मतलब सिक्स बीटा इज इक्वल टू आएगा वन ठीक है। और अल्फा की जो वैल्यू है या सिक्स अल्फा की जो वैल्यू है वो आएगी सिक्स मतलब सिक्स टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा सेवन। तो ये इसका आंसर था ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा यहाँ पे एक्सपेंशन रूल का यूज़ किया है। एक्सपेंशन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि अगर आप एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको एक्सपेंशन रूल एल हॉस्पिटल रूल जिनका बहुत ज़्यादा यूज होता है ठीक है लिमिट्स में तो इन चीज़ों को अगर ध्यान रखेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी ठीक है। अभी जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए इफ एनी पॉजिटिव इंटीजर एन डिफाइंड बाय दिस दिस समेशन जे इक्वल टू वन टू एन टेन इनवर्स दिया गया बेटा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जीरो टू इनफिनिटी देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर आर ट्रू मतलब मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन बेटा तो हमारे पास पहली बात तो एफ एन एक्स दे रखा है और जो फंक्शन दे रखा है उस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो समेशन जे इज इक्वल टू वन टू एन दे रखा है बेटा और ये टेन इनवर्स दिया गया है। अगर आपने इनवर्स की प्रैक्टिस की हो तो एक चीज़ को समझ में आता है कि डिनोमिनेटर में आपको जो दिया गया है वो दिया गया है वन प्लस एक्स प्लस जे इंटू एक्स प्लस जे माइनस वन दिया गया है
और न्यूमरेटर में 1 दिया गया है, तो 1 को हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक्स प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस 1 कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये जो है फॉर्मूला बन जाता है आपका समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू एन टेन इनवर्स एक्स प्लस जे माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस जे माइनस 1 का, ठीक है। अब जे की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट की 1 टू एन तक की, तो चेक कर लेते बेटा कि वैल्यू क्या आ रही होगी, टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एक्स आ जाएगी, ठीक है ना। प्लस अब हमने क्या किया, 2 पुट किया बेटा, तो टेन इनवर्स ये वैल्यू आ जाएगी, 2 पुट करने पे 3 आ जाएगी, सॉरी एक्स प्लस 2 आ जाएगी, एक्स प्लस 2 आ जाएगी, और माइनस का अगर हमने 2 पुट किया तो टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 आ जाएगी, ठीक है ना। इसी टाइप से अगर हम लोग पुट करते चले जाएँ तो बाद लास्ट में क्या बेटा, एन के केस में टेन इनवर्स एक्स प्लस एन हो जाएगा, और माइनस का टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस का 1 आ जाएगा। और ऐसे केस में आप लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की हुई है, आपको पता है कि बीच के जितने भी टर्म्स होते हैं, दिस टर्म कैंसिल आउट, दिस टर्म कैंसिल आउट, ठीक है ना, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, हमारे पास वैल्यू जो आती है वो आती है टेन इनवर्स एक्स प्लस का एन आएगी और माइनस का टेन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगी, ठीक है। ये एक्चुअल में एफ एन ऑफ एक्स होगा, फंक्शन हमने निकाल लिया बेटा। अब फंक्शन के बारे में बात करें तो एफ जे ऑफ जीरो के बारे में बात की जाए, टेन स्क्वायर ऑफ, अब हमें इन सभी के बारे में बात करनी पड़ेगी बेटा, क्योंकि हमें सारी चीज़ों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए टेन इनवर्स दिया गया, तो इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट ए माइनस बी कर देते बेटा, तो यहाँ पे आएगा एन अपॉन वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस का एन आ जाएगा, चलेगा ना, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। ये एफ एन एक्स हो गया, अगर टेन को हम इधर इधर भेजते हैं, ध्यान से देखिएगा, टेन को अगर हम इधर भेजते हैं तो क्या आ जाएगा, टेन एफ एन एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस का एन आ जाएगा। और यहाँ पे स्क्वायर के बारे में बात की गई, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में टेन स्क्वायर के बारे में बात की गई है, हाँ जी। बात की क्या की गई, जे की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक के बारे में बात की गई है, जे की वैल्यू 1 से 5 तक के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। मतलब एन की वैल्यू क्या बेटा 5 है, एन की वैल्यू क्या है 5, 1 टू 5 तक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो टेन स्क्वायर एफ ऑफ जीरो के बारे में बात की, एफ जे ऑफ जीरो के बारे में बात की गई, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि टेन स्क्वायर एफ ऑफ जे जीरो की वैल्यू जीरो पर क्या हो रही है, ठीक है ना। और देन उसके बाद समेशन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है। देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है टेन स्क्वायर, हमें करना क्या है, करना क्या बेटा समेशन, या हम एक काम करते हैं एक्स के अगर जीरो पुट कर देते तो क्या आएगी वैल्यू, एन आ जाएगी, वैल्यू क्या आएगी एन आ जाएगी, ठीक है ना। ये हो गया टेन एफ जीरो ऑफ एक्स के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और एन की वैल्यू जीरो पुट की बेटा, सॉरी एक्स की वैल्यू जीरो पुट की, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एन रहेगा, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, जीरो पुट कर दी, स्क्वायर कर दीजिए तो एन का स्क्वायर हो जाएगा। और समेशन अगर आप पुट कर देते हैं जे की वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक, इसका मतलब है कि एन की वैल्यू आपको पुट कर लेनी है, तो ये आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस का 5 स्क्वायर प्लस का 6 स्क्वायर, ठीक है ना। समेशन ऑफ सिग्मा ऑफ 6 स्क्वायर रखा है, सिग्मा ऑफ 6 स्क्वायर रखा है, और 6 के स्क्वायर तक अगर समेशन करेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये तो वैल्यू 55 तो नहीं मिलेगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा बेटा। अब बात करते हैं 1 प्लस ऑफ दिस ऑफ सेक स्क्वायर के बारे में बात की, और एफ डैश के बारे में बात की गई है, ठीक है ना। एक केस ये भी है बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी टेन ऑफ एफ ऑफ, तो लिमिट एन टेंस एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, समझिएगा,
अगर एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, हम इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ से उठा दें सीधे, क्योंकि ये आसान होगा। हम बात करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है ना, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कहा गया है, और कहा गया है टेन ऑफ एफ एन ऑफ एक्स के बारे में बात की गई है। तो हमारे पास जो है लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कहा गया एन अपॉन वन प्लस एक्स हो गया, ठीक है। और अगर हमने यहाँ से देखा जाए तो एक्स प्लस का एन हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या कहा गया बेटा, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी कहा गया, अब इनफाइनाइट कहा गया है, तो देखिएगा एन को बैलेंस करने के लिए क्या है बेटा, आपके पास कुछ भी नहीं, फिक्स पॉजिटिव इंटीजर एन एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, और आपके पास वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू बताइए। तो जैसे ही आप एक्स टेंस टू इन्फाइनाइट पुट करेंगे बेटा, तो डिनोमिनेटर जीरो इन्फाइनाइट हो जाएगा और वैल्यू क्या जाएगी, जीरो आ जाएगी, मतलब सी सेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, सी सेक्शन भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सेक स्क्वायर के साथ वैल्यू क्या आनी चाहिए। लिमिट कहा गया सेक स्क्वायर एफ एन एक्स वन, एफ एन एक्स की वैल्यू क्या बेटा ये है, ठीक है ना। अब आपसे क्या पूछा गया, सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ठीक है। टेन आपको मालूम है, टेन मालूम है ना, टेन की वैल्यू दे रखी है, तो सेक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सेक स्क्वायर एफ एन ऑफ एक्स का मतलब होगा वन प्लस टेन स्क्वायर एफ एन ऑफ एक्स, ठीक है ना। और लिमिट लगानी है आपको एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, यहां पे भी लिमिट लगानी है आपको। जैसे ही आपने लगाया लिमिट, तो यहां पे वन तो आएगा ही बेटा, वन आएगा, यहां पे टेन स्क्वायर, तो जैसे ही आपने स्क्वायर किया तो इसकी वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, अभी स्क्वायर किया इसकी वैल्यू क्या आ रही थी, जीरो आ रही थी, ये वैल्यू जीरो आ गई। तो इसका मतलब है कि डी सेक्शन हमारा हो सकता है, ठीक है ना, डी सेक्शन हमारा होगा। बात करते हैं इसकी, सेक स्क्वायर एफ जे ऑफ जीरो के बारे में बात हो रही है, और जे की वैल्यू वन से टेन तक है, तो सेक स्क्वायर एफ जे ऑफ जीरो के बारे में बात हो रही है, तो एक्स के तो अगर जीरो पुट कर दिया जाए, समझिएगा बेटा सेक स्क्वायर के बारे में बात हो रही है, और एक्स के तो क्या पुट कर दिया, वन प्लस का टेन स्क्वायर है ये, ठीक है ना। तो वन प्लस एफ डेस ऑफ जे जीरो, एफ डेस ऑफ जे जीरो के बारे में बात की जाए, तो एफ डेस ऑफ क्या था, एफ डेस दिस वन, ठीक है ना, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, और वन प्लस का निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, सेक स्क्वायर एफ जे ऑफ जीरो के बारे में बात हो जाएगी, और प्लस का एफ डेस ऑफ, तो डिफ्रेंशिएट तो करना ही पड़ेगा बेटा हमें इसे, तो कर लेते डिफ्रेंशिएट इसे, तो ये हो गया एफ डेस एन एक्स का डिफ्रेंशिएशन देखा जाए तो इसका जो होगा ये आएगा वन प्लस, वन प्लस का एक्स प्लस एन का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये एफ डेस ऑफ एन हो गया, ठीक है ना, एफ डेस ऑफ एन हो गया। अब एफ डेस ऑफ एन है तो जे की वैल्यू क्या बेटा, वन से लेके टेन तक है, लेकिन जीरो निकाल लेते हैं पहले, एफ डेस ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, जैसे ही आपने जीरो पुट किया, जैसे ही आपने जीरो पुट किया एन की वैल्यू, तो जीरो हो गया बेटा, तो एक्स हो गया, तो ये आ गया वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर, सर एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दे बेटा, तो वन अपॉन वन प्लस का क्या करना है, एक्स की वैल्यू जीरो, तो एन स्क्वायर हो गया और माइनस का वन हो गया, ठीक है ना। अब क्या करना है, यहाँ पे सिग्मा जो है वन प्लस करना है बेटा, यहाँ पे प्लस वन करना है तो प्लस वन भी कर लीजिए, तो वन प्लस अगर आपने कर लिया है तो वन प्लस करते ही आपके पास क्या जाएगा बेटा, वन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग बी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो बी सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारा केस किसका है बेटा, बी सेक्शन के बारे में बात हो रही है। तो वन प्लस का केस किया आपने, तो वन प्लस के केस में क्या हो गया बेटा, ये तो वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। और सेक स्क्वायर एफ जे जीरो की वैल्यू, सेक स्क्वायर एफ जे जीरो की वैल्यू, एफ जीरो की वैल्यू, सेक स्क्वायर एफ जीरो की वैल्यू क्या बेटा, जैसे आपने जीरो पुट किया तो क्या आया था, और आया था ये वन प्लस टेन स्क्वायर एफ जीरो के बारे में बात होती थी, ठीक है ना, टेन स्क्वायर एफ जीरो के बारे में बात होती थी, तो वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, एन आ रही थी, ठीक है ना, टेन स्क्वायर वैल्यू क्या आ रही थी बेटा, एन आ रही थी ना, एन स्क्वायर, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, एन स्क्वायर आ गई, वैल्यू क्या आ गई, एन स्क्वायर आ गई, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी, वन प्लस एन स्क्वायर होगी, क्योंकि टेन स्क्वायर की वैल्यू जो हो गई जीरो पर एन स्क्वायर हो गई, ठीक है, यहाँ तक का केस हो गया बेटा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वन आ जाएगी, और वन से लेकर टेन तक का है, तो अगर हम सम्मेशन लगा दें इसमें सिग्मा वन की वैल्यू जे इज इक्वल टू वन से टेन तक के बारे में बात हो रही, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन आ जाएगी, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? तो इसका बी सेक्शन भी आपका सही हो जाना चाहिए, ठीक है। तो हर एक स्टेप को हमने बहुत सावधानी से किया है, ठीक है। कुछ चीज़ों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो तो थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। हम लोग बेसिक, हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था इससे, हम लोग के पास स्टार्टिंग जो हुई थी बेटा यहाँ से हुई थी, और हम लोगों ने इसे क्या किया था, एफ एन एक्स निकाल दिया था, ठीक है। तो पहला सेक्शन हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया, फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ चेक हो गया था, जिसकी वैल्यू आपकी ये आ रही थी। सेकेंड सेक्शन को चेक किया हमने, सेकेंड नहीं सॉरी, ये थर्ड सेक्शन चेक किया था, ये सी सेक्शन चेक किया था, ठीक ना। ये फोर्थ सेक्शन चेक किया था, डी सेक्शन, और ये सेक्शन चेक किया था हमने, बी सेक्शन, ठीक ना। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, बी सेक्शन को चेक किया यहाँ पर। तो इस टाइप से आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान से करेंगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिए बेटा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो चलिए बेटा, हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए बेटा।